त्यांनी बारे जणांची खरी ओळख एकच खरं सांगायचं तर की विद्यार्थी दशेपासून निरनिराळ्या चळवळींमध्ये ते होते, छात्रवादी, राष्ट्रसेवा दल आणि वारे सरांनी अत्यंत विनयाने सांगितलं की माझी ओळख करून देऊ नका, पण तसं नाहीये, मी दोनच वाक्यात ओळख करून देते. खरंच आहे की पुण्याला वारे सर नवीन नाही आहेत. कुठेही शेतमजुरांचा प्रश्न असेल, आदिवासींचा प्रश्न असेल, स्त्रीचा प्रश्न असेल, सर्व ठिकाणी वारे सर हजर असतात. संविधानाच्या या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करायला मी त्यांना विनंती करते. आजच्या कार्यक्रमामध्ये प्रोफेसर जहीर अली संविधानाबद्दल आपल्या बरोबर संवाद साधणार आहेत आणि त्यासाठी ते मुद्दाम मुंबईवरून आलेले आहेत. मी फक्त जे हलकानी थोडक्यात तुम्हाला सांगितलं, तर गेले महिनाभर पुणे शहरात जे कार्यक्रम झाले, या कार्यक्रमाच्या पाठीशी कोण होतं आणि ते कशा पद्धतीनं झाले हे कार्यक्रम, याच्याबद्दल थोडं सांगणार आहे. आणि नंतर वक्ता म्हणून या कॅम्पेनमध्ये आम्ही नेमके कुठले मुद्दे उचलले किंवा आम्ही काय वस्त्यांच्या मध्ये घेऊन गेलो मुद्दे याच्याविषयी थोडक्यात सांगणार. हे संविधान जागर अभियान समिती महिनाभरापूर्वी पुण्यात आपण स्थापन केली. हे करत असताना याच्यात सामील संघटना आधीपासूनच संविधानावर काम करत होत्या. अलका म्हणालीच त्याच्यातली तीन नावं फक्त आणखी राहिलेली सांगतो, मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ, त्यानंतर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आणि एस एम जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन. या तिन्ही संस्था सुद्धा संविधानावरती आधीपासून काम करतायत. मी माझं जे नाव घेतलं अलकानी ते सगळं एस एम जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशनचं काम आहे. फाउंडेशनच्या वतीनं मी ते सगळं करत होतो आणि मग अशा सर्वांनी एकत्रित येऊन पुण्यामध्ये एक महिनाभर आपण वस्त्या वस्त्यांच्या मध्ये जावं अशा पद्धतीचा निर्णय झाला. हे करत असताना मुंबईमधले आपले सहकारी, आज मुंबईमध्ये जे प्रचंड रॅली होते चेंबूरच्या शिवाजी पुतळ्यापासून ते चैत्यभूमीपर्यंत, ती रॅली सुद्धा एक प्रकारे आपल्या अभियानाचाच भाग आहे असं आम्ही मानतो. याचं कारण तिथे आम्ही त्या सर्व सभा सहभाग माझा होताच तिथल्या आधीच्या सगळ्या चर्चांच्या मध्ये तिथलं त्यांचं नियोजन असं होतं की आधी काही सेमिनार घ्यावेत आणि 26 नोव्हेंबरला एक मोठी रॅली करावी. तशी ती खूप प्रचंड मोठी रॅली आज मुंबईत होते. पुण्यामध्ये मात्र आम्ही असं ठरवलं की आपण आधी काही रॅलीज कराव्यात वस्त्या वस्त्यांच्या मध्ये आणि मग 26 नोव्हेंबरला सभा घ्यावी. तर एकूण 5 शनिवारी 5 रॅलीज झालेल्या आहेत. त्याच्यातली पहिली रॅली ही ताडीवाला रोड परिसरात झाली. ती ज्यांच्या प्रयत्नातून झाली ते दोघेही आमचे दिग्गज सहकारी आजीबाई नदाब आणि विठ्ठल भाऊ गायकवाड, शाहू फुले आंबेडकर मंच चे विठ्ठल गायकवाड आणि हाजीबाई नदाब, या दोघांनी ताडीवाला रोड परिसरात आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने या पहिल्याच रॅलीला वस्तीतल्या अनेक लोकांना याच्यात सहभागी करून घेतलं आणि मग गाडी म्हणत जागर मांडत घोषणा देत ताडीवाला रोडच्या त्या संपूर्ण परिसरामधून एकदम उत्साहामध्ये ही रॅली गेली. शेवटी थोडक्या वेळामध्ये शमसुद्दीन तांबोळी आणि बाकीच्या अनेक सहकाऱ्यांच्या सहकाऱ्यांनी तिथे मनोगतही मांडलं. ही पहिली रॅली झाली. दुसरी रॅली जी होती ती गोखले नगर वडारवाडी परिसरात, जिथे लोकायत संस्थेचं आधीपासून खूप काम आहे. लोकायतच्या दोन सहकाऱ्यांनी तिथे निवडणूकही महानगरपालिकेची लढवली होती. तिथं नेटके नावाचे एक कार्यकर्ते या सगळ्यात आमच्या बरोबर होते. आज बहुतेक ते येऊ शकलेले नाहीयेत, परंतु तिथले जे काही बौद्ध विहार आहेत एक दोन, त्या बौद्ध विहाराच्या पदाधिकाऱ्यांनी सुद्धा या रॅलीला मदत केली आणि गोखले नगर वडारवाडी परिसरात 4 नोव्हेंबर 2017 ही रॅली त्याच पद्धतीने उत्साहात संपन्न झाली. वडारवाडीमध्ये त्याचा समारोप झाला आणि तो समारोप होत असताना गुजरातमधून आलेले एक निवृत्त प्राचार्य तेही त्या रॅलीमध्ये, गुजरात आता मला त्यांचं नाव आठवत नाहीये पण ते गुजरातमधून आले होते, त्यांनी त्याच्यात सहभाग घेतला होता. तिसरी रॅली जी झाली ती हडपसरच्या सय्यदनगर ससाने नगर परिसरात झाली. त्याच्या स्थानिक परिसरातल्या अनेक कार्यकर्त्यांचा सहभाग होता. ही एक रॅली अशी होती की ज्या रॅलीत स्थानिक पातळीवरचे कार्यकर्ते खूप मोठ्या प्रमाणावर आले होते हडपसर परिसरातले. त्यातले विठ्ठल सातव जनगर्जना मंचचे आपल्या सोबत इथं आता बसलेले, पण याच्या व्यतिरिक्त आशुतोष शिपलकर इन्कलाब नावाच्या संघटनेचे, त्यानंतर चंद्रकांत मगर आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे आयडियल एज्युकेशन ट्रस्टचे शफी इनामदार, शोएब इनामदार, त्याचबरोबर लिमरा एज्युकेशन सोसायटीचे नाजीम भाई शेख, अशा अनेक कार्यकर्त्यांचा खूप मोठा सहभाग त्यात होता. त्यात शाळांचे विद्यार्थी सामील झाले होते आणि हडपसरच्या गांधी चौकामध्ये आम्ही त्या रॅलीचा समारोप केला होता. नेक्स्ट, ही जी चौथी रॅली आहे ते कोंढवा परिसरात अली इनामदार हे जे देश बचाव आघाडीचे कार्यकर्ते आहेत आपल्या सोबत बसलेले, ते त्यांच्या सोबत अनेक पुढचे प्लॅन आहेत कोंढवा परिसरात काम करण्याचे. त्यांची खूप मोठी टीम
तिथे होती आधीच्या तीन रॅलीपेक्षा थोडं वेगळं स्वरूप त्याचं होतं. ज्योती चौक त्यानंतर तिथला एक जो मॉल आहे त्या मॉलच्या परिसरामध्ये ज्याला आपण बस कॅम्पेन म्हणतो अशा पद्धतीनं लोकांच्या कार्यकर्त्यांनी आधी घोषणा आणि गाणी देऊन बस कॅम्पेन केली आणि मग जमा झालेल्या लोकांच्या बरोबर संवाद साधला, गाणी घोषणा देत जागर मांडत. हे कोंढवा परिसरात अली नामदार यांच्या सहकाऱ्यांच्या मदतीनं ती रॅली यशस्वी झाली. नेक्स्ट, ही सर्वात महत्वाची कालची रॅली आहे. आमच्यापैकी फार लोक तिथे जाऊ शकले नव्हते, पण तरी सुद्धा दापोली परिसरामध्ये एज्युकेशन ट्रस्ट आहे, त्या एज्युकेशन ट्रस्टचे सलीम भाई एही देशभरच्या वागवाडीमध्ये सामील आहेत. तर सलीम भाईंच्या मदतीनं ही त्या शाळेतल्या मुला मुलींनी काढलेली ही रॅली होती आणि त्या ट्रस्ट शाळेचे मुला मुली संविधान बचाव किंवा संविधानाचं संवर्धन करा अशा पद्धतीच्या घोषणा देत संपूर्ण दापोली परिसरामधून ते फिरले होते. नेक्स्ट, 5 नोव्हेंबरला ही जी कार्यशाळा झाली पुण्यामध्ये एस एम जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन मध्ये, हे मी मुद्दाम तुम्हाला का सांगतोय की 5 नोव्हेंबरलाच आम्ही असा प्रयत्न केला की मुंबईचं नियोजन झालं, पुण्याचं नियोजन झालं, तर 26 नोव्हेंबरला महाराष्ट्रातलेही अन्य काही ठिकाणी कार्यक्रम व्हावेत आणि म्हणून 5 नोव्हेंबरला महाराष्ट्रातून वेगवेगळ्या शहरामधले साधारणतः 50 कार्यकर्ते आले होते आणि त्यांना थोडस कॅम्पेनचे विषयाची माहिती देणं आणि बाकीचं म्हणजे रिसोर्स मटेरियल जे पुण्यात आम्ही तयार केलं होतं जे सहजासहजी इतर शहरामध्ये कार्यकर्त्यांना थोडे विचारत पडतात की काय कशा पद्धतीने रिसोर्स मटेरियल तयार करावं, तर अगदी सगळं तयार केलेलं रिसोर्स मटेरियल देऊन मला सांगायला खूप आनंद वाटतो की या कार्यशाळेमुळे महाराष्ट्रातल्या जवळजवळ 25 ते 30 शहरामध्ये आज काही ना काही छोटे मोठे कार्यक्रम होत आहेत. आणि मग त्यानंतरचं जे मी तुम्हाला दाखवत होते की शनिवारी रॅली अशा 5 रॅली झाल्या तुम्हाला आधी दाखवलं आणि मग मधल्या आठवड्याच्या मधल्या दिवशी मात्र आम्ही एखाद्या वस्तीमध्ये जाऊन अगदी छोट्या समूहाबरोबर सुद्धा संवाद करत होतो. हा संवाद म्हणजे थोडक्यात मांडणी आणि तुम्हाला संविधानाबद्दल काय वाटतं, तुमच्या मनात संविधानाबद्दल काय गैरसमज आहे अशा पद्धतीचा हा संवाद होता. त्यातला हा एक संवाद घोरपडी पेठेमध्ये एक वाचनालय आहे, महानगरपालिकेची अभ्यासिका आहे, पुण्याच्या पूर्व भागामध्ये हे येतं, इकडे पश्चिम भागात अनेक कार्यक्रम होत राहतात परंतु पूर्व भागामधली ही जी विद्यार्थी आहेत अभ्यासिकेचे त्या विद्यार्थ्यांच्या सोबत एक जवळजवळ 1.5 ते 2 तासाचा हा संवाद झाला. खूप उत्साहित होणे त्यांच्याबरोबर पुढच्या काळात बरेच संविधानासंदर्भात कार्यक्रम आपल्याला करायचे आहेत. नेक्स्ट, 3 नोव्हेंबर आणि 22 नोव्हेंबरला ते 3 नोव्हेंबरला जी संवाद सभा झाली होती ती जनवाडी मस्जिद गोखलेनगरच्या पलीकडेची जनवाडी मस्जिद आहे, तिथल्या नेटके मी जे म्हणालो नेटके नावाचे कार्यकर्ते त्यांच्या मदतीनं तिथं ती सभा झाली. त्याचा फोटो इथं नाहीये, हा जो फोटो आहे तो दापोलीच्या सलीम भाईंच्या शाळेचे जे शिक्षिका आहे त्या शिक्षिकांचा आहे. हा फोटो मोजक्याच शिक्षिका दिसत आहेत पण या सगळ्या मुस्लिम शिक्षिका आहेत आणि या मुस्लिम शिक्षिकांच्या सोबतही आम्ही संविधानाबद्दल संवाद साधला. हा संवाद साधत असताना बुरखा घालणं ही एखाद्या पुरुषाच्या धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार आहे, ती त्या महिलेच्या स्वतःचा निर्णयाचा अधिकार आहे. इथपासून ते मुस्लिम पर्सनल लॉ हा संविधानाचा भाग आहे आणि त्याच्यात मुस्लिम महिलांना न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून काय सुधारणा व्हायला पाहिजे. समान नागरी कायद्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेला कुठलाही धोका पोहोचत नाही. समान नागरी कायदा ज्यांना बनवायचा आहे त्यांनी आधी त्याचा ड्राफ्ट बनवा मग आम्ही चर्चेला तयार आहोत अशा पद्धतीची भूमिका तिथे गेली. आणि समान नागरी कायद्याचा उगाच गजब मांडण्याची गरज नाही, त्याचा खरोखर ज्याला असं वाटतं तो व्हावा त्यांनी तो ड्राफ्ट बनवला पाहिजे. खूप छान चर्चा या शिक्षकांच्या सोबत झाली आणि असा अनुभव आला की जेव्हा आपण ग्रासरूट लेवलला जाऊन चर्चा करतो त्यावेळेला अनेक प्रश्न समजून घ्यायला खूप सोपं होतं समुदायाला पण आणि आपल्याला पण. की संविधान संवाद बैठकाचे पुढचे काही दृश्य आहेत, अशाच पद्धतीच्या बैठका ठिकठिकाणी झाल्या. ही 2 पत्रकं आहेत या रॅलीमध्ये, एक वाटलेलं पत्रक, पहिलं पत्रक हे तर राष्ट्रप्रेमी कोणाला म्हणावं याच्यावरती भर देणार आहे. लोकांनी गणपती उत्सवात हा एक प्रयोग केला होता, त्याच्या आधी एक कार्यशाळा मी लोकांच्या कार्यकर्त्यांसोबत मी आणि निरज जैन घेतली होती आणि मग गणेशोत्सवामध्ये असा एक प्रयोग केला की राष्ट्रप्रेमी कोणाला म्हणावं. बऱ्याच वेळेला आपण आत्ताचे सत्ताधारी आणि त्यांच्या संघटना या राष्ट्रद्रोही अधिक लोकांना ठरवायला लागल्यात आणि मग त्या ट्रॅपमध्ये आपण अडकतो. आम्ही ही चर्चा थोडी सकारात्मक करण्याचा प्रयत्न केला की या देशामध्ये राष्ट्रप्रेमी बनण्यासाठी फक्त भारत माता की जय म्हणणं पुरेसं आहे का, या देशामध्ये राष्ट्रप्रेमी बनण्यासाठी फक्त तिरंग्याला सलामी देणं फक्त पुरेसं आहे का, तर तिरंग्याला सलामीही देऊन भारत माता की जय म्हणू परंतु तेवढ्यानं कोणी राष्ट्रप्रेमी ठरणार नाही. तर संविधानाच्या 51व्या कलमामध्ये जी नागरिकांची कर्तव्य आहे, पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली असावी, सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करू नये,
हिंसाचार प्रधान नाही. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे महिलांच्या प्रतिष्ठेला उणीपणा आणणाऱ्या प्रथांचा आम्ही त्याग करू, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि सुधारणावादाचा अंगीकार करू. आपलं जे काम असेल, विद्यार्थी असेल, प्राध्यापक असेल किंवा आणखी कुणी नोकरदार असेल, आपलं काम नीट करणं, वेळेवर करणं, शिस्तीत करणं, हे सगळं जे करतो तो खरा आमच्या दृष्टीनं राष्ट्रप्रेमी आहे. मग तो भारत माता की जय बोलला काय किंवा न बोलला काय फार फरक पडत नाही. अशी एक राष्ट्रप्रेमीची सकस व्याख्या, सकारात्मक व्याख्या करणारे ते पत्रक आणि त्यावरून इतर पत्रक आम्ही वाटली. आणि त्याचं एक थोडस मी असे मानतो की किंवा मानते की खरा राष्ट्रप्रेमी कोण हे काही लोकांना घरामध्ये लावायला आपण या संपूर्ण रॅलीमध्ये दिलेलं आहे की माझ्या दृष्टीने खरा राष्ट्रप्रेमी कोण. अनेक लोकांनी ते फ्रेम त्याला लॅमिनेशन करून घरामध्ये सुद्धा लावलेलं या महिन्याभरामध्ये की मी आणि त्याचबरोबर एक सोशल मीडिया कॅम्पेन चालवली होती. जे मटेरियल पुण्यामध्ये आपण बनवलं रिसोर्स मटेरियल ते महाराष्ट्रभर जावं नंतरच्या काळात ते म्हणून सोशल मीडियावरची कॅम्पेन आधी चालवली. त्याच्यातून खूप मोठ्या त्याचाही अनेक लोकांनी उपयोग केला आणि अनेक ठिकाणी आणि अर्थात सोशल मीडियावरून जे त्याचा विस्तार व्हायचा होता, पसरायचं होतं, त्याचाही फायदा झाला. हे प्रेझेंटेशन संपलेलं आहे. मी एक दोन चार मिनिटं फक्त आणखी घेणार आहे. हे सगळं आपण का करत आहोत म्हणजे असा काही आपल्याला भ्रम आहे का की संविधान खूप चांगलं आहे आणि फक्त संविधानाचा गौरव पोहोचवला ठिकठिकाणी की आपोआप सगळं भागेल. मला स्वतःला असं वाटतं की आज सकाळी मी फेसबुकवर पोस्ट टाकली आणि ती खूप महत्वाची पोस्ट आहे असं मी मानतो. त्या पोस्टमध्ये मी असं लिहिलंय की या देशाचं संविधान गरिबांच्या बाजून आहे म्हणून गरीब खुश आहे आणि त्या संविधानातल्या तरतुदीची अजिबात अंमलबजावणी होत नाही म्हणून श्रीमंत पण खुश आहे. तर हे जे संविधानात आहे म्हणून आपल्याला शांत राहता येईल का? अनेक वेळेला या म्हणजे मी तर गेल्या 3 वर्षात जवळपास 250 जवळजवळ व्याख्यानं दिलेली आहेत आणि मी अनेक ठिकाणी हे मांडतोय की संविधान आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल पण आहेत की संसदेला संविधान दुरुस्तीचा अधिकार आहे परंतु संसदेला सुद्धा संविधानाचा गाभा बदलता येणार नाही, संविधानाची बेसिक फ्रेमवर्क बदलता येणार नाही. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे आपण शांतपणे झोपू शकतो का? तर मला असं वाटतं की आपण शांतपणे झोपू शकतो. संविधानामध्ये अनेक तरतुदी आहेत म्हणूनही आपण शांतपणे झोपू शकत नाही कारण या देशातले अनेक आजचे प्रश्न हे संविधानाची उपेक्षा झाल्यामुळे आहेत. आणि असं असताना मोहन भागवत नावाचे कार्यकर्ते, मोठे कार्यकर्ते, त्यांची संघटना खूप मोठी आहे आणि मला उपहासानं वगैरे बोलायला खरंच कधी आवडत नाही. आपण त्यांची संघटना मोठी आहे त्यांच्याबरोबर चर्चा करायला आवडेल की मधल्या काळात त्यांनी एक विधान असं केलं की भारताच्या संविधानात भारतीय काहीच नाही, देर इज नो इंडियन इसेन्स असं एक वर्तमानपत्रात आलेलं होतं की देर इज नो इंडियन इसेन्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आता खरं म्हणजे बाबासाहेबांची वरती संत कबीराचा प्रभाव होता, गुरुच मानत होते कबीराला, ते महात्मा फुलेंना गुरु मानत होते, तुकारामांचाही प्रभाव होता त्यांच्यावरती. असं असताना बाबासाहेब एक मेन आर्किटेक्ट संविधानाचे असताना, स्त्री पुरुषांना समान न्याय देणारं संविधान असताना, आर्थिक विषमता संपवण्याची जबाबदारी संविधानाने राज्यकर्त्यांच्यावरती टाकलेली असताना, जातीच्या आधारे कुठलाही उच्च निचता हे हा राजकीय व्यवस्था पाळणार नाही हे लिहिलेलं असताना, या संविधानामध्ये नेमकं भारतीय नाही असं जर म्हणत असेल कोणी तर त्यांच्या डोक्यातला भारत कुठला? म्हणजे आम्ही या कॅम्पेनमध्ये हा मुद्दा उपस्थित केलेला आहे प्रत्येक वस्तीमध्ये की यांच्या डोक्यातला भारत कुठला. मग एकलव्य जेव्हा धनुर्विद्या शिकायला आला द्रोणाचार्यांच्याकडे आणि द्रोणाचार्याने जेव्हा त्यावेळच्या व्यवस्थेचा नियम सांगितला की तुला शिकता येणार नाही, तर मग यांच्या डोक्यातला भारत हाच आहे का अजून? किंवा सावित्रीबाईंनी जेव्हा आणि फातिमा बी शेखनं जेव्हा मुलींसाठी पहिली शाळा काढली तेव्हा ज्यांनी त्यावेळेच्या व्यवस्थेचा नियम सांगून महिलांना शिकवणं पाप आहे असं सांगितलं, तर तोच भारत अजूनही यांच्या डोक्यात आहे का? तर खरं प्रश्नार्थ बोलायची गरज नाही, यांच्या डोक्यात तोच भारत आहे आणि म्हणून याच्यात इंडियन इन्फ्लुएन्स नाही असं ते म्हणतायत. मुद्दा एवढाच आहे यातला की 67 वर्षातले जे जे राज्यकर्ते येऊन गेले त्यांनी बहुसंख्य वेळा संविधानाची उपेक्षा केलेली आहे, संविधानातल्या अनेक तरतुदींची उपेक्षा केलेली आहे आणि म्हणून प्रश्न गुंतागुंतीचे बनलेले आहेत. आता जे प्रश्न गुंतागुंतीचे बनलेले आहेत त्याची जबाबदारी संविधानावर टाकून चालणार नाही, तर उलट संविधानाची प्रामाणिक अंमलबजावणी झाली तर या देशातले आजचे अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न सुटू शकतात. या भावनेतून या संविधानाला आपण पुढे घेऊन गेलं पाहिजे. शेवटच्या 2 मिनिटांमध्ये एक मुद्दा मांडतो आणि थांबतो कारण तो आमच्या कॅम्पेन मधला तो महत्वाचा मुद्दा होता. संविधानामध्ये जे 5वं प्रकरण आहे गाईडलाईन्स फॉर द स्टेट, राज्यव्यवस्थेसाठीची निर्देशक तत्व, याच्यातल्या 38व्या, 39व्या आणि 41व्या क्रमामध्ये
संविधान निर्मात्यांनी अत्यंत स्पष्टपणे आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना दिलेल्या. हे जे 38, 39, 41 कलम आहे हे आपल्यापैकी सगळ्यांनी जरा मला असं वाटतं की पुन्हा एकदा नीट समजून घेतलं पाहिजे. बाबासाहेबांनी संविधान लिहित असताना कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीच्या डिबेटमध्ये याचे सगळे संदर्भ सापडतात की बाबासाहेब असं म्हणाले की आपण ऍडल्ट फ्रँचायझी स्वीकारलेली आहे, सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार स्वीकारलेला आहे, एक व्यक्ती एक मत या भूमिकेमधून आपण राजकीय समानता स्वीकारली आहे, परंतु पार्लिमेंटरी डेमोक्रेसीचा अर्थ असा असतो की दर 5 वर्षांनी सरकार बदलणार. राजकीय स्वातंत्र्य आलं पण या देशातल्या गरीब आणि श्रीमंतांच्या मधली जी दरी आहे या आर्थिक विषमतेचं काय करायचं. आणि बाबासाहेबांनी तिथं हा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे की असं असेल तर आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी दर 5 वर्षांनी बदलणारं जे सरकार आहे त्याच्या इच्छाशक्तीवरती हा कार्यक्रम तुम्ही सोडू नका. आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठीची जी उपाययोजना आहे ही मूलभूत अधिकारांच्या मध्येच आणा आणि मग बाबासाहेब शिक्षणाचा अधिकार आणि रोजगाराचा अधिकार हे मूलभूत अधिकार म्हणून द्यावं या मताचे होते संविधान लिहित असताना. मला असं वाटतं की संविधान आम्ही बदलून येणार नाही तसं म्हणत असताना बाबासाहेबांना जे जे संविधान आणायचं होतं ते सगळं संविधानात आलेलं नाही हे सुद्धा संविधान प्रेमींनी लक्षात ठेवायची गरज आहे. आणि म्हणून 38, 39, 41 कलम ही गाईडलाईन्स फॉर द स्टेट मध्ये आली ती व्हावं अशी अपेक्षा या संदर्भात आली, झालंच पाहिजे अशा फंडामेंटल राईट मध्ये ती आली नाही, पण शिक्षणाचा अधिकार रोजगाराचा अधिकार आणि एवढंच नव्हे तर 38व्या कलमामध्ये अत्यंत स्वच्छ शब्दात व्यक्ती व्यक्तीमधल्या उत्पन्नातली विषमता, भौगोलिक पातळीवरची उत्पन्नातली विषमता आणि व्यवसाय व्यवसायामधली उत्पन्नातली विषमता ही कमी करणं ही राज्य व्यवस्थेची जबाबदारी राहील. आज घडीला जे अनेक रूप दिसतात आर्थिक विषमतेचे आपल्याला नीरज त्यावरती थोडा अधिक प्रकाश टाकतील, पण मला असं वाटतं की इथून पुढच्या काळात माझा एक आग्रह माझ्या पुस्तकामध्ये मी ते लिहिलंय की 50 सालचा भारताचा अर्थसंकल्प हा 347 कोटी रुपयांचा होता. 50 साली भारत सरकारकडे खर्च करायला फक्त 347 कोटी रुपये होते. 2016-17 जो अर्थसंकल्प आहे हा राऊंड फिगर केली तर 22 लाख कोटी रुपयांचा. या सरकारची खर्च करायची ऐपत वाढली, ही जी खर्च करायची ऐपत वाढली ही कॉलेजमध्ये शिकवणाऱ्या प्राध्यापकांच्यामुळे नाही वाढली, ही मंत्रालयात काम करणारे जे बाबू लोक आहेत त्यांच्यामुळे नाही वाढली, बँकेमध्ये जे कागदावरती काळ्याचं पांढऱ्याचं काळ्या करतात त्यांच्यामुळे नाही वाढली, तर शेतात राबणारे जे हात आहेत, बांधकाम मजूर म्हणून राबणारे जे हात आहेत, धुणीभांडी करणाऱ्या ज्या महिला आहेत यांच्या घामातून या देशाची खर्च करायची ऐपत वाढली आहे. 22 लाख कोटी रुपयांपर्यंत तर जे जे संविधान प्रेमी आहेत त्यांनी ही भूमिका घेतली पाहिजे की बाबासाहेबांची इच्छा निदान आता तरी पूर्ण करा आणि शिक्षण आणि रोजगाराचा अधिकार हा आता मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य करा, तरच आर्थिक विषमता संपवण्याचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकेल. फक्त एक मिनिट मी आणखी घेतो की अनेक प्रश्न येतात आपल्या संविधानाचा केवळ गौरव करून चालणार नाही. संविधान अस्तित्वात असताना दादरी गावामध्ये 1 लाख मारला गेलेला आहे. संविधान अस्तित्वात असताना नितीन आगे गावासमोर त्याला मारझोड करत नेलं आणि त्याच्या प्रकरणामध्ये आरोपी आज निर्दोष सुटलेले आहेत सबळ पुराव्याअभावी. रयत शिक्षण संस्थेतल्या शिक्षकांनी सुद्धा साक्षी फिरवलेल्या आहेत हा इतिहास आहे आपल्या समोर. कडक कायदे करून सुद्धा निर्भया प्रकरणानंतर कोपर्डीची घटना घडते, आमची एक बहीण अत्याचारांना बळी जाते आणि शेतकरी आत्महत्या थांबत नाही. आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती या देशाच्या एका न्यायाधीशाचा मृत्यू संशयास्पद आहे अशा पद्धतीच्या बातम्या येतात, परंतु त्या संशयास्पद मृत्यूचं निराकरण व्हावं, हा नेमका मृत्यू कशामुळे झाला आणि तो जर खून असेल तर त्या खुनाचे आरोपी कितीही जरी मोठे सत्ताधीश आजचे असले तरी त्यांना शिक्षा व्हावी ही भूमिका न्याय व्यवस्थेमधले त्यांचे सहकारी सुद्धा आज घेताना दिसत नाहीत. आणि म्हणून केवळ संविधान आहे असं म्हणून आपल्याला झोपून चालणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे की संविधानाचा गाभा संसदेलाही बदलता येणार नाही म्हणून आपल्याला झोपता येणार नाही. बाबासाहेबांचं संविधान सभेतलं एक वाक्य सांगतो आणि थांबतो. बाबासाहेबांनी संविधान सभेमध्ये फंडामेंटल राईट वरच्या चर्चेचा समारोप करताना प्रदीर्घ चर्चेचा समारोप करताना बाबासाहेब असं म्हणाले की आपण इतके क्रांतिकारक मूलभूत अधिकार भारतीय जनतेला द्यायचं ठरवलं, परंतु हे सगळे मूलभूत क्रांतिकारी अधिकार भारतीय जनतेला नक्की मिळतील याची काळजी आहे. हा प्रश्न बाबासाहेबांनी उपस्थित केलेला आहे संविधान सभेत की हे सगळे मूलभूत अधिकार कसे मिळतील. आणि मग बाबासाहेब असं म्हणतात की नो पार्लमेंट, नो ज्युडिशियरी अँड नो एनी लॉ कॅन गॅरंटी द फंडामेंटल राईट टू द सोसायटी, ओनली द कॉन्शियस ऑफ द सोसायटी कॅन गॅरंटी.
कुठलाही कुठलीही संसद कुठलंही न्यायालय आणि कुठलाही कायदा नागरिकांना मूलभूत अधिकारांची गॅरंटी देऊ शकत नाही, कारण ही गॅरंटी फक्त समाजाचा सामूहिक सद्सद विवेकच देऊ शकतो. ही जे संपूर्ण कॅम्पेन आहे एक महिन्याची, ही या समाजाचा सामूहिक सद्सद विवेक जागा करण्याची कॅम्पेन आपण सगळ्यांनी चालवलेली लक्षात. गावामध्ये अकला जेव्हा मारला गेला तेव्हा संविधान त्याच्या बाजूने होतं, कायदा त्याच्या बाजूने होता, पण दादरी गावातल्या लोकांचा सामूहिक सद्सद विवेक मात्र अकलाच्या बाजूने नव्हता. नितीन आगे मारला गेला, कायदा त्याच्या बाजूने आहे, संविधान त्याच्या बाजूने, परंतु त्या गावामधल्या नागरिकांचा सद्सद विवेक मात्र नितीन आगेच्या खुण्यांना शिक्षा व्हावी या बाजूने नाहीये. आपल्याला हा समाजाचा सामूहिक सद्सद विवेक वाढवावा लागेल आणि संविधानातल्या ज्या अनेक तरतुदी आहेत त्याच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरावा लागेल. अधिकाधिक लोक कर्तव्य पालनाच्या भूमीकडे येतील आणि आपले अधिकार मागतील याच्यासाठी रान उठवावं लागणार आहे. अतिशय चिंता वाटेल अशी परिस्थिती आहे, पण आपल्याजवळ संविधान आहे, हीच सगळ्यात मोठी आपली जमेची बाजू आहे. त्या संविधानाला आपण वाचूया. आपण माझं शांतपणे ऐकलं, खूप खूप धन्यवाद. पुढच्या वक्त्यांना मी सगळ्यांना निमंत्रित करते. इथे आजचे आपले प्रमुख वक्ते प्राध्यापक जाहीर अली, लोकायनचे नीरज जैन आणि आदरणीय भाई वैद्य, या तिघांनाही मी स्टेजवरती आमंत्रित करते. जोरदार गाण्याने एकदा स्वागत करूया प्राध्यापक जाहीर अलीचं. सर्व वक्ते स्थानापन्न होईपर्यंत एक नाव माझ्याकडून जे सांगायचं राहिलं ते सांगतो. देश बचाव आघाडीचे राहुल पोकळे आमच्या सोबत बसलेले आणि या संपूर्ण कॅम्पेन मध्ये आणि अर्थातच इथून पुढच्या कामात राहुल पोकळे यांचाही मोठा सहभाग असणार आहे. ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केलं त्या सर्वांचा कृतज्ञपूर्वक उल्लेख करणं आवश्यक आहे. दोस्तों, मैं बहुत संक्षेप की बात रखूंगा क्योंकि आप लोग भाई और जाहिर अली को सुनने के लिए निश्चित तौर पे काबिल होंगे. हमारा देश एक अत्यंत गंभीर दौर से गुजर रहा है. आपको वारे जी ने जिस भाष्य का भाषण का जिक्र किया मोहन भागवत जी का, वो उन्होंने चेन्नई में वकीलों के सामने किया. वकीलों का संगठन शायद आरएसएस बना रहा है, उसके सामने किया. ये हंसने की बात भी है लेकिन सीरियस बात भी, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि संविधान बदलना है तो उनको सुप्रीम कोर्ट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना, और उसके लिए पब्लिक प्रेशर वो तरह तरह से बिल्ड करने की योजना बना रहे हैं. उनका घोषित स्टैंड है कि संविधान बदलना चाहिए, तो एक तरफ वो कोशिश कर रहे हैं कि राज्यों में लोगों को मोबिलाइज करके राज्य सरकारों पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, जनता में वैसा माहौल बनाया जाए और उसके जरिए एक स्वीकार्यता बनाई जाए कि संविधान के बुनियादी तत्वों को किनारे लगे. ये जो चुनौती है, उनका जो आरोप है कि इसमें कोई भारतीयता नहीं है संविधान में, वारे जी ने जो इंगित किया, मैं थोड़ा और स्पष्ट बोल दूं, वो एकदम सीधे सीधे उनका ये मानना है कि जाति व्यवस्था इस देश का एक बुनियादी हिस्सा, और यही कारण है कि वो अलग अलग तरीकों से चाहते हैं कि उसको जोरदार तरीके से स्थापित किया. असल में इस देश की परंपरा ये है कि यहां पर एक
एक तरफ जाति प्रथा भी थी, लेकिन दूसरी तरफ उस पर सवाल उठाने वाले कबीर जैसे लोग और पूरा भक्ति आंदोलन भी था, वो भी देश का उतना ही हिस्सा। कबीर के बारे में तो पुरुषोत्तम अग्रवाल लिखते हैं कि उनके जमाने में उनकी साख इतनी बन गई थी कि कबीर पंथी और उनके मठ राजस्थान से लेकर उड़ीसा तक फैले हुए थे, इतना जबरदस्त असर था। और उनके पीछे समाज का एक अच्छा खासा तबका था, सारे व्यापारी सारे आर्टिसंस वो कबीर के साथ खड़े थे, क्योंकि कबीर जाति प्रथा की जड़ों पर हमले हो गए। उसी तरह से वो पूरा काल एक मिलीजुली संस्कृति का काल है, एक ऐसा काल, यही कारण है कि वो पूरे मुगल काल पर हमला बोल रहे हैं, उसको टेक्स्ट बुक से हटा रहे हैं, उसके बारे में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि हमारे दिमाग में ये बहुत अच्छी तरह से बैठ जाए कि इस देश में जो मुसलमान राजा आए, इस देश में इस्लाम आया, उसने वही इस देश की सारी मुसीबतों की जड़। जबकि सच्चाई यह है कि इतिहास इसका ठीक उलट है। जिनके ये प्रशंसक हैं, जिनसे इन्होंने इतिहास गौरव किया है, यानी अंग्रेजों का, उन्होंने इस देश को तबाह किया। 1750 तक आते आते ये देश दुनिया की सबसे ताकतवर मैन्युफैक्चरिंग पावर बन चुका। इतिहासकार तो यहां तक बताते हैं कि उस समय सिर्फ बंगाल में जितने टनेज के जहाज बनते थे, वो तीन प्रमुख यूरोपीय और पश्चिमी राष्ट्र, हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस, तीनों मिलाकर जितने जहाज बनाते थे, उससे ज्यादा जहाज सिर्फ बंगाल में बनते थे, और बंगाल के अलावा कोकण में भी जहाज बनते। तो उतनी उतना मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी यदि विकसित हुआ, उसके अलावा इस देश में और तमाम उद्योग विकसित हुए, जिसके चलते की इतिहासकार ये बताते हैं कि शायद 1750 में दुनिया की एक चौथाई मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ भारत में हो रही थी। तो निश्चित तौर पे ये आर्थिक विकास और उसके पैरेलल यहां पर जो सांस्कृतिक विकास हो रहा था, कि यहां पर एक नई मिश्रित कल्चर विकसित हुई थी, जिसके चलते की कला साहित्य तमाम सांस्कृतिक क्षेत्रों में तमाम विकास हुआ था, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। यदि तबाही होगी आर्थिक, यदि मारकाट बची होगी, तो ना आर्थिक विकास होगा ना सांस्कृतिक विकास होगा। तो क्योंकि ये उस पूरे इतिहास को दफना देना चाहते हैं, इसीलिए उसका सारा रेफरेंसेस इतिहास से मिटाने के चक्कर में। तो उस पूरे विकास को नष्ट किया अंग्रेजों, जानबूझकर कॉन्शियसली भारत में उस समय पूरे यूरोप में जितने शहर थे उससे ज्यादा शहर भारत, इन्होंने सारे कारीगरों को नष्ट करके, कारीगरी नष्ट करके सारी आबादी शहरों से खत्म कर दी, वो सारी गांव में पहुंच गई, और गांव में टैक्स इतना बढ़ा दिया कि अकाल पे अकाल पड़ते चले गए। 1750 से 1890 तक 21 अकाल पड़े बंगाल में। अकेले एक अकाल में 1770 के आसपास जो हुआ था, उसमें एक तिहाई आबादी मौत के घाट उतारी, एक तिहाई आबादी मरी थी उस अकाल में बंगाल। और उसके बाद ऐसे 20 अकाल 1890 तक, उसके बाद भी अकाल पड़े, जिसमें आप जानते ही होंगे बंगाल में जो 1943 में जो अकाल पड़ा, जिसको ग्रेट बंगाल फेमिन बोलते हैं, उसमें भी लगभग 40-50 लाख लोग। तो इतनी तबाही, लेकिन उसका आरएसएस ने विरोध नहीं किया, बल्कि उस समय जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो ये देश को बांटने में लगे हुए थे, और आजादी के आंदोलन में इस प्रकार से सुरंग लगा। तो ये लोग इस इतिहास
ये अंग्रेजों ने तबाही मचाई उस पर इनकी नफरत नहीं, इनकी नफरत उसके पहले के काल में है जो जिस काल में ये देश विकास कर रहा। ये इतिहास अंग्रेजों का गौरव करते हैं क्योंकि ये इतिहास कि इस देश में मुसलमान काल था जिसपे बहुत अत्याचार हुए थे, ये तो अंग्रेजों का इतिहास है जो उन्होंने लिखा था अपने शासन को जस्टिफाई करने के लिए कि हम हिंदुओं को मुसलमानों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए आए। तो उस इतिहास को आरएसएस गौरव करता है और आज वही प्रसारित करता है। और दूसरी तरफ ये तथाकथित देशभक्त जब इस देश को आज विदेशी कंपनियों और सरकारों के हाथों गिरवी रखा जा रहा है, ये आंकड़ा इनमें से कोई चर्चा नहीं करता कि इस देश का विदेशी कर्जा इस साल जून का आंकड़ा है रिजर्व बैंक का $485 बिलियन तक पहुंच चुका है। क्यों नहीं इस आंकड़े की चर्चा होती कि वो कर्जा ये कैसे चुका रहे, उस पर कोई अखबार चर्चा ही नहीं करता क्योंकि ये कर्जा रुपए में नहीं चुकाया जा सकता है, ये डॉलर में चुकाना है कर्जा। और उस डॉलर के कर्जे को चुकाने के लिए ये विदेशी कंपनियों को खुलेआम आमंत्रित करते चले जा रहे हैं और इस देश को उनके हाथों गिरवी रखते चले जा रहे हैं। तो वो इतिहास में ये चर्चा नहीं करते, वो जो आर्थिक परिस्थिति है उसमें चर्चा नहीं करते, विश्व बैंक और आईएमएफ जो शर्तें इस देश पे लगा रखा है उस पर चर्चा नहीं करते। चर्चा करने का मुद्दा बस यही रह गया है कि गायों को बचाए। और वो हंसने की बात नहीं है दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि क्या हो रहा है। जिन मुसलमान भाइयों पर केस लगे हैं या जिनको मारा गया है कि गौ हत्या के आरोप के नाम पर, जिन लोगों ने उनकी हत्याएं की हैं उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं। हर्ष बंदर अपने लेख में लिखते हैं जो उन्होंने मोहम्मद का कारवां उनके यात्रा निकाली थी कि हर जगह पर जो विक्टिम्स हैं उन्हीं के दोस्तों को जेल में बंद किया गया, उन पर आरोप लगे। और जो आरोपी हैं हत्या के जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया वो खुलेआम छूटते चले जा रहे हैं, कई बार तो उन पे केस भी नहीं हो। कितनी भयंकर हालत है, यानी पूरी कानून व्यवस्था को इन्होंने मोड़ के रख, और उसके चलते एक ऐसा आतंक का माहौल बना दिया है कि किस पे कब क्या हमला होगा कहना मुश्किल, क्या बहाने से हमला होगा कहना मुश्किल। मैं मूलतः कहना यह चाहता था और उस पर अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये जो सारे हमले हो रहे हैं, या दूसरी तरफ अब पद्मावती के नाम पर पूरे जो हुजूम सड़कों पर उतारे जा रहे हैं उन लोगों के द्वारा जो महिलाओं की इज्जत को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुलेआम जब खा पंचायत अंतर जातीय विवाह पर महिलाओं को सजा देती है तो ये चुप रहते हैं, वो सरकार जो सैनिटरी नैपकिन्स पर टैक्स बढ़ा देती है उस पर महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, लेकिन ये टैक्स कम करने को तैयार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में अब वो मामला गया है कि भाई ये क्या मामला है, यानी ये भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। जिन लोगों ने सती को ग्लोरीफाई किया है, जो लोग महिलाओं पर अपमानजनक प्रथाओं के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, वो लोग महिलाओं के आत्मसम्मान की रैलियां निकालते हैं, क्या मजाक करते हैं। लेकिन उसके पीछे एक षड्यंत्र है, जो पैट्रियार्कल नजरिया है महिलाओं के प्रति उसको ठोस ठोस के स्थापित किया। और ये सारा का एक तरफ किया जा रहा है, ये सारी बेरोजगारों की फौज को इन मुद्दों पर सड़कों पर उतारा जा रहा है, और उधर चुपचाप देश में ऐसी भयंकर नीतियां आर्थिक नीतियां लागू की जा रही हैं जिसके चलते कि बेरोजगारी आसमान छू रही है,
विश्वास व्यवस्था इतनी जर्जर हो चुकी है कि लैंसेट आलोचना करती है वो पत्रिका, कितनी भयंकर स्वास्थ्य की हालत है कि पूरी देश की सुरक्षा उसकी जल्दी खतरे में पड़ जाएगी। जो इस पूरे देश की अन्न सुरक्षा को डिसमेंटल करते चले जा रहे हैं, जिनको इस देश के बच्चों के बारे में कोई प्यार नहीं है और मिड डे मील के फंडिंग में भी कटौती कर देते हैं, इस देश का शिक्षा का बजट केंद्र सरकार का 50,000 करोड़ रुपए है और ये सालाना 5.5 लाख करोड़ से 11 गुना अमीरों को टैक्स माफी दे देते हैं, इनका पूरे खेती का बजट केंद्र सरकार का कृषि पर ये 50,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च करते हैं और केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने 3 सालों में 2.25 लाख करोड़ रुपए की अमीरों को लोन माफी दी है, 2.25 लाख करोड़। और उसके अलावा लोन की पुनर्पाणनी अलग रिस्ट्रक्चरिंग, पिछले साल इन्होंने मुकेश अंबानी, इस देश का सबसे अमीर आदमी, गैस कंपनी जो उसकी निजी कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, उसका उसके 42% शेयर है मुकेश अंबानी का, उसके 16,000 करोड़ रुपए की लोन की पुनर्पाणनी कर दी, रीस्ट्रक्चरिंग कर दी, यानी लगभग माफ कर दिया। तभी सारे कॉर्पोरेट हाउसेस इनके पीछे खड़े हैं, सारे बड़े उद्योगपति इनके पीछे खड़े हैं, करोड़ों रुपए फाइनेंस कर रहे हैं, क्योंकि ये उस्ताद हैं देश की संपदा को कॉर्पोरेट हाउसेस को ट्रांसफर करने में। मोदी इसीलिए मशहूर था कि उसने वो काम गुजरात में बखूबी किया और गुजरात में कॉर्पोरेट हाउसेस को जब जम के पैसे ट्रांसफर किए गए तो सबको समझ में आया कि ये आदर्श प्रधानमंत्री हमारे लिए, उसको सपोर्ट किया गया, केंद्र में आकर वो वही काम केंद्र में कर रहा है कि पूरे देश को कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए चला रहा है। लेकिन हमको वो सब नहीं दिखता, उस पे हमारा ध्यान हटाने के लिए ये सारे मुद्दे निकाले गए हैं। और इस प्रकार संविधान पर दोनों तरीकों से हमला हो, एक तरफ मूल्यों के बतौर और दूसरी तरफ जो वाली जी ने जिक्र किया कि देश की दिशा क्या होनी चाहिए, देश किस दिशा में चलना चाहिए, उसका ओरिएंटेशन आर्थिक नीतियों का क्या होना चाहिए, उसके बदले भी उलट चलाया जा रहा है। ऐसे भयंकर माहौल में बहुत जरूरी है कि हम सब मिलकर इस अभियान को और पुरजोर तरीके से चलाएं। आप में से जो भी साथी सिर्फ व्याख्यान सुनने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आप चाहते हैं कि इसमें आपका भी योगदान बने, क्योंकि हमारी अगली योजना है कि आज से लेकर 26 जनवरी तक इस अभियान को और जोरदार तरीके से पूना के और कोने कोने में पहुंचाया जाए। कुछ योजनाएं हमने पहले से ही बनाई है, जैसे कोलबा के साथियों के साथ राहुल पोखले जी बैठे हैं उनके साथ, लेकिन आप में से और जो भी लोग इस अभियान में शामिल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके इलाके में भी ये अभियान चले, हमारे पास नुक्कड़ नाटक है, पोस्टर एग्जीबिशन है, गाने हैं, रैली निकाल सकते हैं, घर घर भी जाकर लोगों से बात कर सकते हैं, छोटे छोटे शिविर ले सकते हैं, आप में से जो भी लोग चाहते हैं कि ये अभियान आपके इलाके में भी पहुंचे, कार्यक्रम के बाद बाहर हमारे साथ ही उधर काउंटर लगे हैं, किताबों का स्टॉल है वहां पर उपलब्ध है, आप जरूर उनसे बात कीजिए, अपने नाम दीजिए कि आप चाहते हैं, हमारे साथ ही आपसे संपर्क करेंगे और आपसे प्लान करेंगे कि आपके इलाके में अभियान कैसे चले। धन्यवाद। दोन अनाउंसमेंट्स करायचे झाली, माझी बोलली त्याच्यावरी एक नाव राहून गेलं होतं आमच्या आता निरनिराळ्या कॉलेजमध्ये तरुण मुलामुलींचा बोल केलं बाजादे तेरे या नावाने एक गट आहे जो या संविधानाच्या कार्यक्रमामध्ये आपल्यामध्ये सहभागी आहे आणि आता वारेजींनी जेवढ्या सगळ्या रॅलीज आणि कार्यक्रम सांगितले त्या सगळ्यामध्ये हा तरुण गट सहभागी होता, हे एक। आणि दुसरं, आत्तापर्यंत जे कार्यक्रम झाले आणि ह्याच्यानंतरही अनेक कार्यक्रम होणार आहेत
अनेक ठिकाणी रॅलीज आणि इतर कार्यक्रम होतील, या सगळ्यासाठी ज्यांना प्रत्यक्ष स्वतःहून त्या कार्यक्रमांमध्ये यायचं आहे त्यांनी तर नावं द्यावीतच, पण ह्या सगळ्यासाठी सुद्धा आपला सहयोग तुम्हाला देता येणं शक्य असेल तर तो सहयोग, आर्थिक सहयोग हा तिथे बाहेर स्टॉल आहे तिथे द्यावा जरूर, कारण त्या सगळ्या कार्यक्रमांमध्ये आर्थिक प्रश्न असतोच नेहमी, तो अर्थातच सोडवला जातो, पण जनतेच्या सहाय्याने जर अशा पद्धतीचे कार्यक्रम जनतेच्या सहयोगातनं जर असे कार्यक्रम होत असतील तर ते आधीच चांगलं आहे, आणि म्हणून मी हे आवाहन करते. मी आता भाईंना इथे बोलायला बोलवते, भाईंबद्दल सुद्धा कोणालाही खरं म्हणजे ओळखण्याची गरज नाही, पण जस्टिस सच्चर आणि भाई यांच्या पुढाकाराने जी पार्टी स्थापन झाली सोशालिस्ट पार्टी इंडिया, त्याचे पूर्व अध्यक्ष भाई होते, भाई ह्या राज्याचे गृहमंत्री म्हणून राहिलेले आहेत आणि चळवळीचे आधारस्तंभ म्हणून आम्ही आज त्यांच्याकडे बघतो. आदरणीय भाईजींना मी इथे त्यांचं मनोगत मांडण्यासाठी बोलावतो. मंचावरील आणि समोरील सर्व मान्यवर भगिनी आणि बंधूंनी, भारतीयांची सवय अशी आहे की जेव्हा काही आक्रमण येत तेव्हा माणसं जागी होत, म्हणजे आता जागी झाली आहेत काहीतरी आक्रमण आहे. चीनच आक्रमण झालं तेव्हा समग्र देश उचलला याची कल्पना आपल्या सर्वांना असण्याचा संभव आहे, तरुण माणसांना नसेल कदाचित. त्या अर्थी संविधान जागरण, संविधान प्रबोधन, संविधान संवर्धन, संविधान सुरक्षा असे विषय ज्या अर्थी सर्वत्र गाजताय घेतले जात आहे त्याची एक लाट उसळली आहे, बरोबर आहे एका दृष्टीने, कारण गेल्या 67 वर्षात किंवा 70 वर्षात जवळ संविधानाबद्दल असं खोलात जाऊन लोकांच्या जाऊन म्हणजे जसे वाऱ्यांनी अनेक आयुष्य कार्यक्रम घेतले तसं काही कुणी केलं होतं असं मला वाटत नाही, परंतु काहीतरी कारण नाही, आणि ते कारण असं की आपलं संविधान धोक्यात आलेलं आहे. ते कशामुळे आलंय हे जरा स्पष्ट समजावून घेतलं. संविधानाबद्दल वारे बोललेले आहेत, लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता याच्यावर काम करणारे प्रोफेसर गैराजी हे त्याबद्दल बोलतील. मला असं वाटत की मी त्यावर बोलण्यापेक्षा हे का जागृतीच गरज आपल्याला वाटायला लागली आहे, संविधानाच्या संरक्षणाची गरज वाटली आहे याबद्दल जरा दोन गोष्टी बोलणं आवश्यक आहे. ही गोष्ट उघड आहे की भाजपच म्हणा मोदीच म्हणा, माझ्या दृष्टीने हे भाजपचे सरकार नाही आणि मोदींचही नाही, ते आरएसएसच सरकार. हे तोपर्यंत आपण आणि आता माधव भागवत राजकारणाची भाषा बोलायला लागला, आम्हाला जर योग्य वाटलं तर सत्ता फेकून देऊ इथपर्यंत ते बोलायला लागले नाही. तेव्हा या सर्वांच नियंते नियंत्रण करते कर्मिते हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आहे हे समजावून दिलं, त्यांचा अजेंडा काय, ते काय करू इच्छितात हे जोपर्यंत आपण लक्षात घेणार नाही तोपर्यंत संविधान धोक्यात काय आल्याच वाटत हे आपल्याला कळणार. या ठिकाणी सांगण्यात आलं, नीरजनी सांगितलं, कदाचित वारेंनी सांगितलं असेल की आताची जी सत्ता आहे आर एस एसची
त्यांना हे संविधान मान्य नव्हतं आणि आजही मान्य नाही. वाजपेयींच्या वेळेला रिव्ह्यू कमिटी झाली होती, त्यांनी जेव्हा केलं तेव्हा समग्र देशभर त्याच्या विरोधात आवाज उठवला गेला, तरी त्यांनी रिव्ह्यू कमिटी केली होती. पुढं तिथं काही होऊ शकलं नाही, ते सोडून द्या, ते सरकारने लवकर गेलं. त्यांना हे संविधान मान्य नाही. का नाही मान्य? याच कारण त्यांना लोकशाही मान्य. तू म्हणाल अहो निवडून आले, हे खरं आहे, इथला नाही निवडून आला. निवडून आल्यानंतरच बदलला. आणि गोळवणकर गुरुजी म्हणाले हिटलर पासून आपण काही धडे घेतले पाहिजे. ते धडे त्यांनी बरोबर गिरवायला सुरुवात केलेली आहे. हिटलरनी लोकशाही मार्गाने तो कॅन्सलर झाला आणि संबंध घटना बदलून टाकली आणि संबंध सत्ता आपल्या हातात घेतली. हुकुमशाही त्यांनी ज्या पद्धतीने प्रस्थापित केली, फॅसिझम ज्याला म्हणतो आपण, आणि त्यांनी एवढंच करून थांबलं नाही. तर त्यांनी असं एक फूल उठवली की पहिल्या महायुद्धात जर्मनीचा पराभव का झाला, कारण जर्मनीची संस्कृती कोणीतरी बिघडवली. कुणी बिघडवली? जूतने बिघडवली. मग काय करायचं? मारून टाकायचं. आणि 60 लाख जू मारले, 60 लाख. आणि गोळवणकर गुरुजी त्यामुळे म्हणाले की हिटलर पासून आपण काही धडे आणि ते धडे गिरवायला सुरुवात केलेली आहे. नीरजने एक गोष्ट सांगितली की त्यांनी बरोबर अशी मांडणी केली आहे, बरोबर म्हणजे सरळरेषेत, बरोबर म्हणजे योग्य असं मी म्हणत नाही, गैरसमज करून त्यांनी अशी मांडणी केलेली आहे की खरे शत्रू ब्रिटिश नाही, खरे शत्रू मुस्लिम आहे. त्यांनी संस्कृती बिघडवली आणि त्या आक्रमकांचा त्या शत्रूंचा आपल्याला बंदोबस्त केला. मुस्लिम शत्रू आहे ही भूमिका सुरुवातीपासून आरएसएसनी घेतली आहे आणि ती सोडली नाही. तुम्ही म्हणाल काही मुस्लिम मंत्री आहेत हे त्यांच्या उंदळीनी पाणी पितात, ते आहेत तिथं, त्यांचीच तळी उचलायची, त्यांचाच भंडारा उधळायचा, हे काम करणारे मंत्री आहेत, त्यामुळे त्यांचं काही बिघडत नाही. सबके साथ सबका विकास, सबके साथ सबका विकास ही धोळ आहे, ती त्यांची भूमिका नाही. कारण डॉक्टर हेडगेवारांच्या पासून आज तगाय अल्पसंख्याक हे आमचे शत्रू आहेत ही त्यांची भूमिका आहे. आणि त्यांच्या मनात असा विचार आहे की हिटलरने जसा अल्पसंख्याक नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, इथं आपल्याला करता येतो बाबा. मधून मधून जरा वेगळंच काहीतरी बोलतात. माधव भागवत, मोहन भागवत हे मध्ये असं म्हणाले की हिंदुस्थान मध्ये जन्मलेले सर्व हिंदू आहेत, म्हणजे सर्व हिंदू करायचे असं त्यांच्या पाठीपासून सर्व हिंदू आहे ही त्यांची असतात माणसं. ते असं म्हणलं असतात त्यांनी, म्हणजे मुसलमानांना हिंदू म्हटलं, ख्रिश्चनांना हिंदू म्हटलं,
पण घर वापस विचार सोडलेला नाही, तो चालूच आहे. तेव्हा याचा आपल्याला विचार, ही सुरुवात आहे देवानाची. 1925 साली आरएसएस सुरू झालं आणि त्यानंतर शेडगेवारांच्याकडे त्यांचा अभयही गेला आणि म्हणाला की या देशातले मुसलमान देशद्रोही आहे. शेडगेवार काय म्हणाले, चुकीच बोलतोय असं बोलू नकोस, कारण देशद्रोही कोण असतो, याचा देश असतो तो. म्हणजे तू आता असं म्हणला की हा देश मुसलमानांचा आहे असा त्याचा अर्थ होईल, म्हणून देशद्रोही हा शब्द नको. जर तुला शब्द वापरायचा असेल तर योग्य शब्द शत्रू हा आहे. ही भूमिका बोलवल हेडगेवारांनी मांडली. गोळवलकरांच्या बंच ऑफ थॉट मध्ये तुम्हाला वाचायला मिळेल. सुदर्शननी तर इथपर्यंत मांडलं की या देशामध्ये एपिक वॉर होणार, म्हणजे महाभारतकालीन जर आर्यावर्तामधले अर्धे राजे पांडवांच्या बाजूला अर्धे कौरवांच्या सगळे कुणी बाजूला राहिलंच नाही असं एपिक वॉर होणार आहे. आणि ते एपिक वॉर एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला गैर हिंदू असं होणार अशी मांडणी त्यांची. नंतर ती मागे घेतली, तात्पुरती मागे घेतात, पण त्यांच्या स्वयंसेवकांना काय करायचंय, काय भूमिका ते बरोबर कळतं. तेव्हा ही त्यांची भूमिका आहे, त्यांना हिंदू राष्ट्र निर्माण धर्माधिष्ठित राष्ट्र निर्माण करा. आता हे आपल्या संविधानाला मान्य आहे का? मान्य नाही. त्यामुळे संविधान त्यांना मान्य नाही, ते त्यांना बदलायचं. धर्मनिरपेक्षता त्यांना मान्य नाही. राज्य संस्थेचा धर्म असू नये, नागरिकांचा धर्म असू शकेल व्यक्तीचा. ही भूमिका आपल्या संविधानाने की प्रत्येक नागरिकाला आपल्या इच्छेप्रमाणे हवा तो धर्म स्वीकारण्याची, त्याचा प्रचार करण्याची सवलत आहे, पण व्यक्तीला. आणि मी नेहमी सांगतो की धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय. व्यापारी आपल्या व्यापारामध्ये कुणी आलं गिराई तर त्याला जात धर्म विचारतो नाही विचार, म्हणून व्यापार हा धर्मनिरपेक्ष आहे. शिक्षण संचालक शिकायला कोणी गेला शाळेत जाऊ कॉलेजमध्ये जाऊ जात धर्म विचारतो का, त्याच्यावर अवलंबून असतं का? नाही. म्हणून शिक्षण हे धर्मनिरपेक्ष आहे. किती काळ राहील मला माहिती पण आहे. तसं राज्य संस्था ही धर्मनिरपेक्ष. उद्या कलेक्टरकडे गेला आणि तुम्ही सांगितलं की मी मुसलमान आहे, तो कलेक्टर म्हणेल तुझं काम नाही माझ्याकडे. जर उद्या धर्माधिष्ठित राज्य झालं तर तो म्हणू शकतो. तेव्हा धर्माधिष्ठित राष्ट्र बनवायची त्यांची इच्छा. वाजपेयीने सांगितलं आम्हाला थिओक्रॅटिक स्टेट नको सांगितलं, पण थिओक्रॅटिक नको म्हणजे काय? तर जे धर्माचे धुरी शंकराचार्य आणि साधू संन्यासी त्यांचं वर्चस्व नको एवढं सांगितलं, पण त्या हातात नाही राहत. आज आपण जी इस्लाम धर्मीय राष्ट्रीय पाकिस्तान घ्या, इजिप्त घ्या, तुर्कस्तान सुद्धा घ्या, बाकीच्या राज्याचं बोलतच नाही. तिथे मुल्ला मौलवींचं वर्चस्व वाढायला तुर्कस्तान मध्ये वाढ. तुर्कस्तान सारखा आधुनिक देश त्याच्यामध्ये मुल्ला मौलवींचं मन वाढायला.
इजिप्त मध्ये मुस्लिम ब्रदरहूड आहे ज्याच्या विरोधात आतापर्यंत तिथल्या सत्ताधाऱ्यांनी मोहीम चालवली. व्हायचं पाकिस्तान तर आपल्या डोळ्यापुढेच आहे कशा पद्धतीने मुला मुलींच्या भूतित गेले. एका बाजूला लष्कर आणि दुसऱ्या बाजूला मुला मौलवी. वास्तविक जीनांना इस्लाम आधारित राष्ट्र करायचं नव्हतं हे अडवाणींनी जाहीरपणे सांगितलं हे बरं केलं. पण जीनांच्या नंतर हे होऊ शकलं नाही आणि ते इस्लामिक स्टेट झालं आणि तिथले अल्पसंख्याक जवळजवळ त्यांनी सगळे पळवले तिथले. मग ते हिंदू असतील शीख असतील ख्रिश्चन असतील सगळे पळवले हे आपण लक्षात घेतो. तेव्हा धर्माधिष्ठित राष्ट्र झालं म्हणजे काय होऊ शकत हे लक्षात घेतलं पाहिजे. धर्म आणि RSS ने गोळवलकरांनी धर्म संसद निर्माणच केलेली आहे म्हणजे भारतीय संसदेपेक्षा जास्त महत्व कशाला धर्म संसदे. आणि धर्म संसदनी सांगितलं की रामाच अयोध्या हीच आहे. खरं खोट प्रत्यक्षात इतिहासात काय ते सोडून द्या. त्यांनी सांगितलं हीच आहे लोकांचीही श्रद्धा आहे. तेव्हा आणि जिथं बाबरी म्हणते ते रामा रामाचं मंदिर होत ते पाडून केलं. मग आपल्याला बाबरी मंदिर पाडली पाहिजे तिथं मंदिर बांधायचे मंदिर वही करायची ही भूमिका त्यांनी घेतली. आणि आता माधव बापटांनी सांगितलं तिथं दुसरं कुठलं चालायचं नाही म्हणजे मशीद तिथं न्याय चालेल ते सांगून टाकलं त्यांनी आणि त्याची सर्व तयारी त्यांनी केली. त्यांनाच वाटतं की याच्यामुळे हिंदूंच्या भावना जितक्या भडकवता येतील तितक्या भडकवायच्या. हिंदूंना असं सांगायचं की तुमच्या धर्माचं राहा पण ह्याचा अर्थ काय काय होता. एक जे धर्म पंडित असतात त्यांच्या हातात सत्ता किंवा सत्तेला ते वाचवतात. आज इस्रायलमध्ये ज्या पद्धतीने तिथले जे धर्मोपदेशक आहेत त्यांचं वर्चस्व आहे. कोणता दिन मानायचा सुट्टीचा दिवस कोणता त्या दिवशी सर्व दुकानं बंद असली पाहिजे ह्या भूमिका तिथे आलेलीच आहे. तेव्हा त्याचे परिणाम हे होतातच. पण एवढ्याने भागवतांनी आज इस्लाम देशामध्ये काय सुरू झालंय शिया सुन्नीवाद सुरू आणि ज्या पद्धतीने शियांच्या मशिदीमध्ये हल्ले केले जातात लोक मारले जातात ते साधे लोक आहेत. तेव्हा शियांचा सुन्नी सुन्नी असं म्हणतात म्हणजे की इसिस झालं म्हणजे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक आणि सिरिया हे जे झालं त्यांनी खिलाफत म्हटलं ते झाल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की शिया हे मुसलमान नाही. त्यांच्या उलट झालं कुर्दिश हे मुसलमान नाही त्यांच्या हत्या सुरू झाल्या. या पद्धतीने होऊ शकतो. आणि बौद्ध म्हणतात आम्ही हिंदू धर्म सोडलेला आहे म्हणजे हिंदू नाही. शीख वेगळा धर्म आहे तेही स्वतःला हिंदू म्हणत नाही. पंजाब मध्ये एका काळी शिखांनी अशी चळवळ केली हिंदी बिंदी हट जाऊ हिंदी बिंदी हट जाऊ म्हणजे हिंदी भाषा बोलायची कारण ती हिंदूंची. बिंदी म्हणजे कुंकू हट जाऊ कारण ते हिंदू स्त्रियाला होता ही घोषणा होती एका काळी. आणि RSS लोकही अकाली म्हणजे दहशतवाद असं जाहीरपणे म्हणत होते. आणि आम्ही तिथं गेलो जरा अकाली नेत्यांना भेटलो आणि इथं येऊन त्याबद्दल बोलल्यावर आम्ही म्हणजे SM नानासाहेब त्याच्याबरोबर मी एक माणूस तेव्हा आम्ही जाहीर केलं
तेव्हा केसरी मध्ये अग्रलेखाला पुण्याची तीन आकारली. इंदिरा गांधीच्या विरोधात दोन प्रकार आहेत हे आपण समजावून घेऊ. मेनका गांधीच्या विरोधाविषयी तो प्रचार झाला. म्हणजे मग धर्माधिष्ठित राष्ट्र झालं की धर्मांतर्गत जे गट असतात त्या गटामध्ये आपापसात संघर्ष निर्माण होतो. ती इथे नेता आहे धर्म आहे तो म्हणतो आम्ही हिंदूच आहे. जेव्हा यांना मारलं ते कोण कर्नाटक मधले डॉक्टर कलबुर्गी कलबुर्गींना मारल्यानंतर जी मिरवणूक निघाली त्या मिरवणुकीमध्ये आम्ही हिंदू नाही ही घोषणा होती. तेव्हा लिंगात हिंदू मानत नाही हिंदू धर्मातून बाहेर आलेले बसवण्याचे लोक सगळे तिथं त्यांच्या कत्तली झालेल्या बसवण्णा त्यांना मारून टाकलं आणि नंतर जे शैव आहे त्या शैवांना वैष्णवांनी मारलं तो वेगळा धर्म झाला. त्याचे ग्रंथ वेगळे आहेत हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. तेव्हा हे होऊ शकतं तेव्हा धर्माधिष्ठित राष्ट्र म्हणजे आमच्या धर्माचं राष्ट्र असं जर कोणाची भूमिका असेल तर तेवढं भागणार नाही. ते जर शीख असतील तर शीख वेगळे बौद्ध वेगळे जैन हे स्वतःला हिंदू समजत नाही लिंगायत स्वतःला हिंदू समजत नाही म्हणजे हे अल्पसंख्याक ठरतील. यांनाही जे मुस्लिमांना भोगावं लागेल फार ते तिथे जे जसं सुन्नी शियांना मारतात तसं इथं सुरू होईल. तेव्हा ही देखा लेकिन बडगा नाही देखा माहितीये ना मांजराने तुपाचं पातेलं पाहिलं म्हणून ते चाटायला गेलं पण माणूस हातात काठी घेऊन उभा आहे कुठं त्यांनी पाहिलं. ही देखा लेकिन बडगा नाही देखा अशी ती म्हण आहे. तेव्हा याचा विचार तुम्हाला लागतो. आज इस्लामची राष्ट्र जवळजवळ 57 तर त्या राष्ट्रामध्ये हे पंथ जे धर्मांतर्गत आहेत त्यांच्या कुरकुरी भांडणं चालू आहेत कत्तली एकमेकांच्या चालू आहेत शिया सुन्नींच्या कत्तली करत आहेत. आणि तुम्हाला हेही माहिती आहे की सौदी अरेबिया आणि इराण यांचं पटत नाही. का पटत नाही? कारण सौदी अरेबिया हे आणि इराण हे शिया राष्ट्र आहे. तेव्हा ही दोघांचं काय होईल उद्या हे सांगता येत नाही अशी परिस्थिती. म्हणून धर्माधिष्ठित राष्ट्र ही भूमिका आपल्या सर्व नेत्यांनी ज्यांना फाउंडिंग फादर्स म्हणतात या सर्वांनी बाजूला चालली आणि ठरवलं इथे जन्मणारा माणूस तो नागरिक असेल त्याला मताचा अधिकार असेल तो कायद्यापुढे समान मानला जाईल त्याच्या कुठल्या पंथाची कुठल्या धर्माची कुठल्या जातीची कुठल्या वंशाची किंवा कुठल्याही भाषेची अडचण आपण मानणार नाही हे आपल्या संविधानात आणि हे रक्षण करायचं ठरवलं याचा आपल्याला निर्णय केला पाहिजे की ही धर्मनिरपेक्षता राज्यसंस्थेला धर्म पाकिस्तानला धर्म आहे तिथल्या सरकारला धर्म आहे तुर्कस्तानमध्ये ती चळवळ चालू झालेली आहे इजिप्तमध्ये चालू झालेली आहे जिथं जिथं इस्लामी राज्य आहे तिथं त्या चळवळी आहेत. पण शेवटी त्या मुल्ला मौलींचं वर्चस्व तिथं वाढलेलं आहे तसं आपल्या सर्व ढेरकोट्या साधू संतांचं वर्चस्व वाढल्याशिवाय कुंभमेळ्यामध्ये जे आले त्याच्या उत्तम कांबळ्यांनी फार छान मी ढेरकोट्या हा शब्द उगीच वापरले कारण नुसते खातात त्यांचा धर्म म्हणजे खाणे
पद्धतीने ते वागतात किंवा त्यांचं वर्चस्व उद्या राज्य सत्तेवर निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. हिंदू राष्ट्र आहे आणि हिंदू म्हणजे काय हे सांगण्याचा अधिकार सत्ताधाऱ्यांना नाही, मंत्र्यांना नाही, पंतप्रधानांना नाही, तो आम्हाला आहे. कारण आम्ही त्या धर्माचे साधू आहोत, संन्यासी आहोत, शंकराचार्य आहोत. ही भूमिका उद्या आल्याशिवाय राहणार नाही. आणि त्याचा अर्थ काय होईल, त्याचा अर्थ काय झाला पाकिस्तानमध्ये काय पाकिस्तानमध्ये मलालाला लहान कोणती काय करत होती, शाळेमध्ये शिकत होती आणि म्हटली की शिकणं हा माझा हक्क आहे. काय केलं सनातन्यांनी, सनातन्यांनी तिला बोलले वाचली हे सोडून त्यामुळे तिला भूमिका घेतली जाताना त्यामुळे तिला नोबेल पाहिजे करू शकतात. पण सनातनी काय करू शकतात हे लक्षात घ्या. गांधीजींना नुसतं 8 वेळा मारायचा प्रयत्न सनातनांनी केला असं नाही. तर तुम्हाला अजून एक किस्सा सांगतो की महात्मा गांधी पुणे करारानंतर बाबासाहेबांच्या विचाराचा इतका प्रभाव त्यांच्यावर पडला की ते म्हणले की मी आता अस्पृश्यता निवारणाच्या विरोधी असे हिमाचल यात्रा काढणार. गांधीजी नुसतं बोलून थांबले नाही, 10 महिने एकत्र 10 महिने खबरदेशभर. पण या 10 महिन्यात एकही दिवस असा गेला नाही की सनातनांनी त्यांच्यावर हल्ला करणं, काही निशाणं दाखवलं, त्यांना काळं काहीतरी फासायचा प्रयत्न करणं, निषेधाच्या घोषणा देणं, ते सर्व केलं. सर्व 10 महिने भर का पुढे अस्पृश्यतेच्या उद्योग अस्पृश्यता निवारण करायचं भाषा बोलताय. आणि शंकराचार्य सांगताय की अस्पृश्यता हा हिंदू धर्माचा अविभाज्य भाग आहे. अजूनही पुरेचे शंकराचार्य हीच भाषा बोलताय हे लक्षात घ्या. धर्मात कारण चातुर्वर्ण आणि श्रीकृष्णांनी सांगितलं चातुर्वर्ण मया पुरुषम गुणकर्म विभागशा ते गुण गेल्या जन्मात आणि कर्म धर्मशास्त्रांनी सांगितले. आपल्याला असं वाटतं की गुण म्हणजे क्वालिटी आणि कर्म म्हणजे ऍक्शन. नाही, गुण म्हणजे गेल्या जन्मी सात्विक गुणांची संपदा केली तर पुढचा जन्म ब्राह्मणाचा मिळतो, तामस गुणांची केली तर शूद्र होतो आणि त्याच्यापेक्षा वाईट म्हणजे दलित अस्पृश्य होतो. ही समजावून ही भूमिका आणि ती गीता राष्ट्रीय ग्रंथ झाला पाहिजे ती भूमिका आहे त्यांची. म्हणजे तुम्ही चातुर्वर्ण सुद्धा शिकवणार कसं बरोबर आहे हे सांगणार किंवा या सगळ्या गोष्टी हिंदू धर्माबरोबर येणार आणि समाजाची आतापर्यंत जशी विभागणी झाली तशी पुन्हा होणार हे लक्षात घेतो. तेव्हा संविधानाला म्हणजे काय भूमिका आहे ना, मनुस्मृतीमध्ये सांगितलंय की साक्ष द्यायची असेल एकटा पुरुष आहे, पण स्त्रीचे साक्ष असेल तर 2 स्त्रिया पाहिजे. कारण एक पुरुष बरोबर 2 स्त्रिया संपलं संपलं ही भूमिका आहे. त्या भूमिका मग धर्मानुसार घ्यायला लागण्याचा धोका आहे आणि आपल्या संविधानाला हे मान्य नाही म्हणून ही डायरेक्ट संघर्ष आहे. आणि तो लक्षात घ्या, तू म्हणाला मनुस्मृती 2000 वर्षापूर्वीची कोण मानतय, पुण्यात विश्व हिंदू परिषदेची मिरवणूक झाली आठवत आहे का, तिथ ट्रक मध्ये महात्मा फुलेंची तस्बीर ठेवली होती आणि त्याच्या शेजारी मनुस्मृती होती.
आणि संघाच्या बहुतेक नेत्यांनी आपल्या पुस्तकामध्ये मनुस्मृतीची भलावण केली. बलराज मधोबनी इंडियनायझेशन मध्ये गेले, दीनदयाल उपाध्यायांनी इंटिग्रेटेड ह्युमॅनिटी मध्ये केलेली आहे, सर्वांनी केलेली आहे, गांधींनी नव्हती केली, बाबासाहेब त्यांनी जाळीच मनुस्मृती. तेव्हा आपल्याला या सर्व गोष्टींचा विचार करावा लागेल की या घटनेच्या विरोधी कोण आहे, त्यांचा काय अजेंडा काय आहे. आजचं सरकार त्यांच्या हातात आहे, अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याला सतर्क करायला पाहिजे, संघटित झालं पाहिजे. आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या बरोबरच्या सर्वांनी जी घटना तयार केली त्या घटनेचं रक्षण आपण केलं नाही तर भारत देश म्हणून जो आहे तो नष्ट झाल्याशिवाय राहणार नाही. कारण भारताच्या इतिहासामध्ये इथं कधी धार्मिक राज्य नव्हतं. एक गोष्ट मी जाहीरपणे सांगितली की पुन्हा इथं सांगतो की सावरकरांनी सहा सोनेरी पानं त्याच्यामध्ये सहा हिंदू राजांचं वर्णन केलं, भलावण केली आहे, पण एवढं करून सावरकर थांबले नाही. तर सावरकरांनी त्याच्या शिवाजी महाराजांच्या बद्दल लिहिलं, शिवाजी महाराजांच्या बद्दल लिहिलं म्हणजे स्तुती केली असेल, नाही, ते म्हणले शिवाजींनी हिंदू स्वराज्य निर्माण केलं नाही तर हिंदवी स्वराज्य केलं. वास्तविक कल्याणच्या सुभेदारांनी कल्याणच्या सुभेदाराची सून आली तिला शिवाजी महाराजांनी खणा नारळाची ओटी देऊन परत पाठवली. सावरकरांनी त्या पुस्तकामध्ये परत का पाठवली, देऊन का घेतली नाही, असा दोष दिलेला आहे. हे त्याला समजावून घेतलं पाहिजे. हे काय हिंदुत्ववादी म्हणजे काय? हिंदुत्ववादी म्हणजे पंढरीची यात्रा करणारे वारकरी नव्हे, ते हिंदू धर्मवादी आहे. पण हिंदुत्ववादी हे संपूर्ण राजकारणी आहेत आणि त्यांना काही घटना मान्य नाही, घटनेची मूल्य व्यवस्था मान्य नाही, घटना बदलायची त्यांची इच्छा आहे. आणि त्यांना इथं धर्माचं म्हणजे त्यांना पाहिजे तसं राज्य निर्माण करायचं. या विरोधात आपण वेळेत जागे राहिलो नाही, संघटित झालो नाही तर हा देश राहणार नाही. एवढं लक्षात घ्या. धन्यवाद. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि भाई बहते जी के होते हुए मुझे ये फंक्शन में प्रेसाइड करने के लिए आपने कहा, कोई बहुत छोटा ऑनर नहीं है. यहाँ जो लोग आने वाले थे बहुत बड़े लीगल नॉमिनरीज, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स थे. बड़े लोगों के नहीं आने की वजह से मुझे बहुत बना दिया गया. ये जो सुभाष बारे जी और नीरज जी और भाई वैसे जी ने जो कहा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ये तो बहुत ट्रेजेडी की सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमको लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अवेयर करने के लिए अभियान चलाना पड़ता है. हालांकि डेमोक्रेसी में ये हर सिटीजन का उसकी ड्यूटी है, उसको जानना चाहिए कि उसका संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. लेकिन अब ये जो कमीशन है जिसके बारे में बहुत विस्तार से मुझसे पहले तीनों स्पीकर से बताया कि अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अवेयरनेस, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, उसको प्रोटेक्शन करने की जरूरत है और उसके लिए जनता को बताना पड़ेगा कि किस कॉर्नर से या किन लोगों से संविधान को खतरा है.
लेकिन ये जो बातें आपके सामने है बहुत ब्रांडेड एक्सपर्ट्स ने रखी, बाय एंड लार्ज मैं उसको एग्री करता हूँ कि ये बात सही है, लेकिन थोड़ा सा मेरा कम्युनलिज्म को देखने का थोड़ा सा दृष्टिकोण दे लीजिए, मेरा एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं कम्युनलिज्म को एक एलिटिस्ट या जो आपके सोसाइटी में जो पढ़े लिखे पैसे वाला धनवान जो वर्ग होता है उनकी चलाई भी मूवमेंट मान रहा हूँ। जनता इसमें चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान कभी भी ना जनता को पूछ के उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, ना जनता को पूछ के उन्होंने पाकिस्तान बनाया, ना आज जो कुछ हो रहा है इसमें हिंदू जनता हिंदू है। ये एक एलिटिस्ट पढ़ा लिखा मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास ये जो नया वर्ग आ गया है देश में उसका उसकी सपोर्ट है इस आइडियालॉजी को। ये नई तो थी नहीं है सर, बताया है कि गलवालकर जी ने क्या लिखा, उत्तर प्रदेश तिवारी जी ने क्या लिखा, सावरकर जी ने क्या लिखा, ये सब बातें हैं। लेकिन आज जो सपोर्ट मिल रहा है उसकी बड़ी वजह हमारे पास का क्लास कंपोजिशन चेंज हुआ है, हमारे पास जो एक नया वर्ग जो है जिसको पढ़ा लिखा हाईली क्वालिफाइड सिलिकॉन वैली में करोड़ों रुपये कमाने वाला, वहाँ पे अमेरिका में फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी भाजपा का एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो करोड़ों रुपये हर महीना बीजेपी को भेजती है, तो वो जो इलिटिस्ट एक मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास जो वर्ग है वो इस गवर्नमेंट कह लीजिए या इस पार्टी को या उनके पीछे है, उसकी ताकत है। इसलिए ये प्रेशर आप सुनते होंगे कि उनका हिडन एजेंडा है, तो हिडन एजेंडा सिर्फ यही है कि वो संविधान को बदलना चाहते। लेकिन मैं ये बात भी पूरी तरह से नहीं मानता हूँ कि बीजेपी से पहले जो भी गवर्नमेंट थी कांग्रेस की थी या मिली जुली सरकारें थी उन्होंने बहुत कुछ प्रोटेक्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, ये बात भी नहीं मानता। प्रेशर तो शुरू से ही था कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि रूलर्स थे और रूलर्स कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क देता है आपको कि विद इन दिस फ्रेमवर्क यू हैव टू वर्क, रूलर वो नहीं चाहता है। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही सबॉर्डिनेट शुरू हो गया। एक उदाहरण मैं देता हूं, 1946 में ये मुस्लिम सत्यशोधक की बात हुई होगी इस अभियान में शामिल है, 1946 में बी एन राव जो एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के उनके उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी कि सिविल जो लॉज है डिफरेंट कम्युनिटीज के जो ब्रिटिश की कॉन्स्पिरेसी थी उनको डिवाइड एंड रूल ऑफ सारी बातें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल के लिए क्या क्या चीज़ें की है। उसमें एक ये भी था कम्युनिटी बेस्ड लॉ, उन्होंने 1937 में उसमें पर्सन लॉ बना था, इसीलिए अदर माइनॉरिटी लॉ भी 38 में बना था। तो ये जो कम्युनिटी लॉज हैं तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसके बारे में क्या सोचती है, इसके बारे में क्या करना चाहिए। बी एन राव बहुत बड़े लीगल माइंड थे, बड़े स्कॉलर थे जूरिसप्रूडेंस के, और उन्होंने रिसर्च करके बहुत कुछ इंडिया के सोसाइटी के बारे में सोचकर उन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि देयर शुड बी यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया रिकॉर्ड में। क्या किया नेहरू जी ने, क्या किया
जो बड़े बड़े वहाँ थे अम्बेडकर, अम्बेडकर ने सपोर्ट किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन सबवर्जन पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी और वोट बैंक बनाने की बात तो वहीं से शुरू हो गई थी। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये जो प्रेशर हो कि आज तो पर वो डेंजर में है, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा भी या नहीं, क्योंकि देखिए 2019 के बारे में लोग बहुत होपफुल हैं कि उसके बाद क्या होगा और ये गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड में इस वक्त होनी कैपिटलिज्म है बहुत ज़्यादा, पुतिन रशिया में और मोदी जी उसके उसका पार्ट है। क्रोनी कैपिटलिज्म वो ये कभी नहीं चाहेंगे, बिकॉज़ दे कांट अफोर्ड कि मोदी जी हारे, वो चाहे कुछ हो, चाहे ईवीएम में टेम्परिंग हो या जो भी, लेकिन ये बहुत भयानक बात होगी क्रोनी कैपिटलिस्ट के मोदी जी हार जाए। हाँ, अगर बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया या आरएसएस में इतनी हिम्मत है कि बीजेपी मोदी को बीजेपी या आरएसएस की जरूरत नहीं है, उनको जरूरत है इस वक्त। आज मोदी जी जो पोजीशन है कि मोदी जी की जरूरत है बीजेपी को और आरएसएस को। ये क्रोनी कैपिटलिज्म जो है ये नेचुरली इस तरह का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है दुनिया के सम फ्यू बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से ही बात है, क्योंकि ये जो देश था जिसमें 12% लिटरेसी थी, हमने जंप की वहाँ से सीधा डायरेक्ट अडल यूनिवर्सल अडल फ्रेंचाइज पे, जो हम थे वाइस राय ने उससे पहले चैलेंज दिया था इंडिया, क्योंकि हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में अगर देखें ना, तो फ्रीडम स्ट्रगल एक्चुअली 1942 के बाद अलग बात हो गई कुछ इंडिया, 1942 तक हमारी फ्रीडम स्ट्रगल, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, यही स्ट्रगल थी ना, और क्या। साइमन कमीशन को हमने क्यों रिजेक्ट किया, क्यों अपोज किया, क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो वाइसराय ने जब ये कहा कि वो चाहते हैं कि हम खुद बनाएंगे, उसने चैलेंज किया था कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन सीधी तरह से पढ़ नहीं सकते, तुम मनाओगे क्या। तो मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू सेक्रेटरी बने, नेहरू कमेटी बनी और नेहरू रिपोर्ट आई 1928। तो हमारी पूरी फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो एक्चुअली हम अपना संविधान खुद बनाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात तो 1934 में एम एन रॉय ने की थी, किसी कांग्रेस ने नहीं की। एम एन रॉय ने कहा था कि देयर शुड बी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। 1935 में कांग्रेस ने उसको ऑफिशियल रेजोल्यूशन बनाया और 39 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो अंग्रेजों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने था, तो उन्होंने 1940 में वो डिमांड एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम अगला कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बनेगा उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएगी। लेकिन फिर वो 45 तक तो जंग चलते रही, 46 के बाद फिर मिशन कैबिनेट मिशन जो कि हिंदू कम्युनलिज्म एक्चुअली व्हाट पार्ट थ्रेड इसलिए है कि इट इज लाइकली टू टर्न इन फैशिज्म, क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनलिज्म मे बिकम नेशनलिज्म अल्ट्रा नेशनलिज्म लाइक हिटलर्स और मुसोलिनी और मे टर्न इन टू फैशिज्म, क्योंकि जब आप हिंदू मेजॉरिटी कम्युनिटी है और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, तो नेचुरली जब वो कम्युनल होगी तो वो ज़्यादा डेंजरस है। नेहरू ने लिखा भी है हिस्टोरी ऑफ इंडिया में कि बिटवीन द टू हिंदू कम्युनलिज्म इज मच मोर डेंजरस बिकॉज इट मे टर्न इन टू फैशिज्म। लेकिन जो मुस्लिम कम्युनलिज्म है वो भी सुसाइडल है, और
उसको उसके लिए सिर्फ हिंदू कम्युनलिज्म को तोड़ देना मैं ये बात ठीक नहीं समझता, क्योंकि हमारे पास जो मुस्लिम कम्युनलिस्ट थे वो भी एलिटिस्ट थे, जमींदार जागीरदार थे, उसमें कौन सा रक्षा चलाने वाला आया, आज गाड़ी खींचने वाला, वो बेचारे जानते नहीं, वो आज भी नहीं जानते क्या हो रहा है उनके नाम पर। उनके नाम पर बताया जाता है कि हम 20 करोड़ है, 15 करोड़ है, 18 करोड़ है, और अवेसी बोलता है उनके नाम पे कि हमको प्रिविलेजेस दो। वो तो आज भी वहीं पे टांगा चला रहा है या साइकिल रिक्शा चला रहा है, वो तो वहीं बर्बाद है जो हमेशा से वही था। तो मेरा सिर्फ थोड़ा सा एम्फेसिस का फर्क है, कम्युनलिज्म पे टोटली इलिटरेसी एक अप्रोच होता है जिनको हमारे पास जो अपर क्लास है उन्होंने ये सब अपने, क्योंकि पाकिस्तान बनने से फायदा किसको था, फायदा यहाँ पे उनके जमींदारों को सबसे बड़ा कांग्रेस से उनकी दुश्मनी सबसे बड़ी इसलिए थी कि कांग्रेस जमींदारी अंबानी से बात करती थी, उनको वो नहीं चाहिए था। कांग्रेसों ने जब देखा तो उन्होंने कहा तुम अपनी पार्टी बना दी, तो 1996 में मुस्लिम लीग बन गई। तो ये हम उनके हाथों में खेलते रहे, सिर्फ अंग्रेजों को ब्लेम करना नहीं है, हम उनके हम क्या इतने बेवकूफ थे, लेकिन हमने अपने अपॉर्चुनिज्म के लिए, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, अपने क्लास इंटरेस्ट के लिए जनता को बहकाया, भटकाया, लड़ाया, और जो कुछ हुआ हिस्ट्री आप जानते हैं। यहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, ये मैंने कहा कि दुनिया के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस में एक है, क्योंकि आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, 26 नवंबर 1949 इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अप्रूव किया। वो दिन कोई ऑर्डिनरी दिन नहीं, आपको ये सोचना चाहिए यहाँ की हजारों साल की के इतिहास में भारत के ऐसा दिन पहले कभी नहीं आया, आपको समझना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए ये समझना चाहिए कि ये जो दिन है हजारों साल की हिस्ट्री में कभी जनता के रिप्रेजेंटेटिव ने जनता के लिए तो कानून अच्छी बुरी गवर्नमेंट होंगी उससे मुझे नहीं लेना, बेनेवोलेंट मोनार्की होंगे, अच्छी हुकूमत होगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात नीरज जी ने की वो भी दुरुस्त है, लेकिन जनता की गवर्नमेंट नहीं थी और जनता के रिप्रेजेंटेटिव ने कभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया था, इसलिए इस दिन पूरी ये अप्रूव हुआ था 2 महीने बाद ये इम्प्लीमेंट हुआ है, सीएम 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाया। ये कॉन्स्टिट्यूशन जाहिर है बहुत पहली बार तो यही थी, और वो डायरेक्ट इलेक्शन पे वो लोग जो जिन्होंने जब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स या फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जनता के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, वो प्रोविंशियल काउंसिल से चुनके आए थे, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन उस जमाने में पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज 1950 से पहले ये कॉन्सेप्ट ही इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था इंडिया, तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन फिर भी ठीक है। और जो लोग आए जो बड़े नेचुरली बड़े स्कॉलर टूरिस्ट ग्रेट इंटेलेक्चुअल्स इसमें कोई शक नहीं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, वो अपने कॉन्टेम्पररी में ही हुआ था, मोस्ट एजुकेटेड पर्सन, तो पी एच डी है जो बार हेटला है इंग्लैंड से, जैसे जैसे मास्टर डिग्री से कोलम्बिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से लिया, तो ये जो और इसी तरह दूसरे लोग भी थे, तो वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होने के बाद भी वो बड़े काबिल पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड समझदार, क्योंकि इंडिया जैसे देश का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाना कोई आसान बात नहीं, वो
करने के लिए तो 18 लैंग्वेजेस उन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस की लिस्ट बनाई, एक शेड्यूल में डाल दिया, लेकिन बोली को अगर आप बोली बोली को उसको हम डायलेक्ट कहते हैं उसको मान लिया जाए तो हमारे देश में हजारों भाषाएं हैं, हर 50 मील के बाद तो भाषा बदल जाती, तो वो एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। कास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली डेंजरस बट रियल फैक्ट, इट रिफ्यूजेस टू गो अवे। कास्ट इस कंट्री से जाने का नाम नहीं लेता, किसी न किसी फॉर्म डायलेक्टिक प्रोसेस से होते आई है, किसी न किसी फॉर्म में रहती है। और हम अपनी जिंदगी में ज्यादातर सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन एक्चुअली देखा जाए तो कास्ट भी है, पैदा होते हैं तो जो रिचुअल्स होता है कास्ट के हिसाब से होता है, शादी कास्ट के हिसाब से होता है। मैं आपको फैक्ट बोल रहा हूँ, लोग नाराज होंगे, तो फैक्ट है कि गांधी जी के बेटे को राजगोपालाचारी के बेटी से मौत हुई, उन्होंने करेस्पॉन्डेंस है, उन्हें गांधी जी को लेटर लिखा कि मैं राजगोपालाचारी की बेटी शादी करना चाहता हूँ। गांधी जी जिनका नेचुरली बापू है, दादर ऑर्गेनाइजेशन है, उनका काम जो है अनटचेबिलिटी खत्म करने में बहुत ज़्यादा है, बहुत उन्होंने लिखा कि ये मैं इसको अप्रूव नहीं कर सकता ये मैरिज को, क्योंकि हमारे शास्त्र के खिलाफ। गांधी जी हो सिवाय प्लेयर अम्बेडकर को ट्रेडिशन छोड़ दी, इस कंट्री में कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट किसी ने एक वर्ड नहीं बोला, सबने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट बोले, गांधी जी अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट। वैसा अगर होता तो चार पांच पड़ोस मंडल जिन्होंने अम्बेडकर को इन्वाइट किया था, वो जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो गया एसेंशियल एड्रेस था जी विच वॉज नेवर डिलीवर, क्योंकि वो जब उन्होंने उसकी एडवांस काफी मांगी और जब पढ़ा तो वो डर गए, वो आर्य समाज का एक फ्रंट था जात पात प्रोडक्ट मंडल, वो डर गए कि इसमें तो वेदा से ही उसने शुरू कर दिया है कि वैदिक उसमें है कास्ट, आप क्या बोल रहे हैं। गांधी जी बोलते थे ये प्रोफेशनल वोकेशनल गिल्ड है, प्रोफेशनल वोकेशनल एसोसिएशन है, बुरी बात नहीं है। तो अम्बेडकर ने लिखा कि वो तो मेधावी है, आप क्या प्रोफेशन। सबसे पहला रिमाइंडर गांधी जी का, ये तो गलत है, जब आप वेदास को नहीं मानते हैं तो फिर आपको क्या राइट है कि हिंदुइज्म में रिफॉर्म लाने की कोशिश करें या हिंदुइज्म की बुराई बताए, क्योंकि यू आर नो मोर हिंदू जो रिफ्यूज सैंक्टिटी ऑफ वेदास। गांधी अम्बेडकर ने यह किया कि वो रिजाइंडर लिया, उसके बाद जो पब्लिकेशन है गांधी जी रिजाइंडर पब्लिश किया। तो ये जो है ये समझना कि शुरू से बड़े हमारे लीडरों ने बहुत काम किया इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज हैं उसको प्रमोट करने की, ये भी गांधी जी ये डेमोक्रेसी नहीं चाहते, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे उनको, ये जो है ग्राम पंचायत से लेके गांव वापस जाओ, एवरी गांव एवरी विलेज शुड बी सेल्फ सफिशिएंट एंड ही वांटेड कॉन्फेडरेशन ऑफ विलेजेस। तो ये बात को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में रखो, सिर्फ हिंदू हिंदुत्ववादी फोर्सेस ही ये वैल्यूज के अगेंस्ट नहीं थे, दूसरे वो लोग भी पूरी तरह से जो वैल्यूज जिसके बारे में बताऊंगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट इगेलिटेरियन सोसाइटी में समानता पे बेस्ड सोसाइटी, सब बराबर होना,
इकोनॉमिक सेंस में नहीं लेकिन सोशली पॉलिटिकली जब हम इक्वालिटी की बात केंद्र में आती है तो इक्वालिटी सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक नहीं है सोशल इक्वालिटी की बात है तो उस सेंस में अगर हम देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रीएम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल और बाद में आर्टिकल 51A 42nd Amendment Act में ऐड हुआ ये तीन सेक्शंस हैं वो दुनिया के बेस्ट हैं बाकी तो पार्लियामेंट के क्या पावर्स हैं प्रेसिडेंट के क्या पावर है ये तो जुडिशरी क्या है वो तो चलते ही है लेकिन जो प्रीएम्बल है अर्नेस्ट बार्कर का नाम सुना बहुत पॉलिटिकल साइंटिस्ट ब्रिटिश उसने लिखा है कि प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली ए पोएम और जब उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी पे जब बार्कर की बुक छपी तो उसने कहा कि मुझे कोई प्रीफेस या कोई इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं In that place, he reproduced preamble to the Indian Constitution. Political theory book, the introduction, Parker, self Indian Constitution, the preamble. Preamble, ki jo genesis hai, ya jo shuruaat hai, naturally Nehru ji ne objective resolution move kiya tha. Constituent Assembly, August 1946 mein elect ho gayi thi. मुस्लिम लीग 73 मेंबर्स आए थे उन्होंने फर्स्ट जो सेशन था उन्होंने डिक्लेयर कर दिया हम बायकॉट करते हैं उन्होंने नेहरू रिपोर्ट का भी बायकॉट किया था क्योंकि ये सब प्रॉब्लम क्या हुआ कि एक पार्टी जो जमींदारों की थी जो प्रिविलेज मुसलमानों की थी जिसमें आम मुसलमान का कोई लेना देना नहीं उसको इम्पोर्टेंस मिली 1932 के प्राइम मिनिस्टर अवार्ड से थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 31 में 32 में उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अवार्ड डिक्लेयर हुआ जिसमें अम्बेडकर का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट था गांधी जी के और मुझे वो आर्ग्यूमेंट आज भी एक्सेप्ट नहीं है गांधी जी का जो पोजीशन है वो आज भी मैं एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि अम्बेडकर का ऑब्जेक्शन बिल्कुल लॉजिकल था 1909 में आपने मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टेड दे दिया 1919 में कंटिन्यू रखा उसके बाद जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो गांधी जी को और जब प्राइम मिनिस्टर अवार्ड डिक्लेयर हुआ 1932 में तो गांधी जी उसमें जो 1932 के अवार्ड में सिखों को भी दे दिया गया है इंडियन क्रिश्चियंस को भी दे दिया एंग्लो इंडियन को भी दे दिया सेपरेट अलॉटेड और नेचुरली बिकॉज ऑफ एडवोकेसी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलितों को सबको सेपरेट इलेक्टेड गांधी जी को सिखों को सेपरेट इलेक्टेड मिला वो चलता मुसलमानों को जो मिल रहा था वो चलता क्रिश्चियनों को जो मिल गया वो चलता है दलितों को मिला नहीं मिलना चाहिए तो वो व्रत रख के बैठ गए ये शायद सिटी में ये कौन सा आर्ग्यूमेंट मैं वो आर्ग्यूमेंट मानता हूं सेपरेट एलोकेट इनते गलत बात एक सेकुलर कंट्री आप बनाने जा रहे हैं तो सेपरेट एलोकेट क्या रहे सारे भारतीय बराबर है तो सेपरेट एलोकेट नहीं होना चाहिए दैट आई एक्सेप्ट मगर आप मुसलमान को मिल रहा है तो कुछ नहीं बोल रहे हैं कुछ बोले ही नहीं उन्होंने 1909 से लेके आखिर तक सिखों को मिल गया क्रिश्चनों को मिल गया लेकिन दलितों को नहीं मिलना चाहिए क्यों
उससे हिंदू यूनिटी डिस्टर्ब होती है। तो आप हिंदू लीडर थे या देश के नेता? आप तो हिंदू यूनिटी डिस्टर्ब हो रही है। और जो अकाल हुआ पूना अकाल में उसके पता है आपको, उसके विटनेसेस सावर बिरला। तो ये जो है आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे साथ शुरू से अपने लोग जिनको हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं वो भी बहुत ज्यादा दूर के धुले हुए नहीं थे। उन्होंने भी बहुत कोशिश की जनता को बहकाने की, भड़काने की, गलत बातें। और ये जो रिजर्वेशन का है वो मैं बाद में बात करूंगा। मैं कह रहा था प्रीएम्बल जो है ये ऑब्जेक्ट के रेजोल्यूशन पे है, उसमें नेहरू जी ने मूव किया था, जो उसमें भी जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी की बात थी, उसमें उसमें टेरिटरी की भी बात थी। तो उसके बाद बी एन राव जो एडवाइजर थे उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया था, लेकिन जब ड्राफ्टिंग कमेटी के में जब सबसे लास्ट में प्रीएम्बल पास हुआ मास्टर नरसिंह, तो अम्बेडकर वो एक ही सेंटेंस है, आप देखिए पूरा प्रीएम्बल एक ही सेंटेंस है, तो उसमें एक कोलन है और बाकी सेमी कोलन है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व्ड, आखिर तक एक सेंटेंस है। और पूरे जो वैल्यूज है जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक सेकुलर सोशलिस्ट कंट्री के होने चाहिए वो एक ऐसे जिस्ट उसका उस प्रीएम्बल में आ गया है। भारतीय का कॉन्स्टिट्यूशन तो उसका विस्तार है, उसको आपने कोडिफाई करके फैलाया। वी द पीपल पहला ही जो एक्सप्रेशन है कि पावर ऑफ दिस कंट्री इज डिराइव फ्रॉम द पीपल, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं बना रही, वी द पीपल हमने बनाया, हमारे लिए बनाया। तो वी द पीपल जो है वो एक्चुअली एसेंस है डेमोक्रेसी का, वो एसेंस है एक लिबरल सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी का, जहाँ पे लोगों को जनता के हाथ में एक पावर है कि वो अपने लिए अपना संविधान बनाए। तो सारी पावर इज डिराइव नॉट बिकॉज ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर एजेंसी, नॉट बिकॉज इवन माई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बट द पीपल हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू मेक इंडिया। पहले सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, 42nd अमेंडमेंट के बाद मिसेस गांधी ने उसमें, मिसेस गांधी वॉज नॉट एक्चुअली वेरी फॉन्ड ऑफ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, वो बहादुर औरत तो थी, उसमें ये बात है कि पॉलिटिकल डिसीजन लेने में नेहरू से ज़्यादा इफेक्टिव थी, तो उसमें सर्टन पॉलिटिकल डिसीजन स्पेशली नेशनलाइजेशन ठीक है, वो जिस तरह किया वो गलत है, लेकिन पहले बैंक में आप रिक्शा वाले को घुसने नहीं देते, खाली सेविंग अकाउंट रख सकता था, किसी लोन वोन का सवाल ही नहीं था। तो वो उसने उसके सम ऑफ हर एक्शंस नेचुरली, आप कुछ भी कह लें, मैं इमरजेंसी का डेली अगेंस्ट हूँ, वो सब सही है, लेकिन उसके या बांग्लादेश तो मामूली बात नहीं है, यहाँ बैठ के या यहाँ खड़े रह के बोलना ये गलत बात है। जब 7th फ्लीट इंडियन ओशन में थी और आपने देख लिया कि उन्होंने इराक का क्या हाल किया, अफगानिस्तान का क्या किया, ये तो बात के रिट्रोस्पेक्ट बात की बात है, मगर ये वो कर सकते थे। 7th फ्लीट जो है न्यूक्लियर वॉर हेड्स थे उसमें और थ्रेट कर रहा था, और वो सिंपली बात तो नहीं थी, उसमें शूट भी थी, उसने उससे पहले बांग्लादेश करने से पहले उसने सोवियत यूनियन से एक डिफेंस ट्रीटी साइन की। तो इतनी शादी भी नहीं थी, बहुत सोच समझ के किया उसने,
और बांग्लादेश जो ऐसा एक्सीडेंट है। और ये एक और एक बात याद रखिए कि वो 1971 इलेक्शन से पहले हुआ। वो लोग बोलते हैं कि बांग्लादेश की वजह से वो इलेक्शन पहले हो गए थे, बांग्लादेश बाद में हुआ। तो वो एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, मतलब ये एक मोट क्वेश्चन है कि एक स्पेकुलेशन है कि नेहरू जी नहीं कर सकते, उसने किया। वो कोई मामूली बात नहीं, पूरे आपको करोड़ों लोगों के पूरा अभी का फ्यूचर उसने दांव पे लगाया। और मानेकशॉ भी बहुत ज्यादा कुछ फेवर में नहीं थे कि डायरेक्ट हो जाना, क्योंकि अमेरिका मेन टर्मेट वाला ये, तो वो वैसे रेकलेस या डेयरिंग तो थी उसमें, ये बात है। और ये अच्छा हुआ कि उसका उसके जो जो कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हुए वो इंडिया के लिए बुरे नहीं थे, नेचुरली इंडिया की बहुत पॉजिटिव विक्ट्री थी। उसमें मुक्ति बाहिनी हमारे साथ थी, ये बात उसको भी मिनिमाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि लोकल पॉपुलेशन उनके खिलाफ थी। तो पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन था वो, एक्चुअली ईस्ट पाकिस्तान वाले एक्चुअली एन ऑक्यूपेशन अगस्ट पाकिस्तान। तो वो एक प्रीएम्बल पे आता हूँ मैं। तो प्रीएम्बल में जो है ये जो वी द पीपल, उसके बाद सॉवरेन का हिंदी सॉवरेन पावर, तो वो इसका सीधा मतलब ये है कि ये देश में हम अपने लिए कानून हम बनाएंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि हिंदुस्तानी अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद बनाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि हम, अब कोई कॉलोनी नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है, हमको कोई दूसरा देश चाहे वो कितना ही बड़ा ताकतवर हो हमको डिक्टेट नहीं कर सकता कि ये कानून बनाओ ये कानून मत बनाओ। वो सॉवरेन कंट्री होता है। सिंपल बात मैं कहूँ तो इंडिया 15 अगस्त 1947 से पहले एक देश तो था, बोलने को डेमोक्रेसी भी थी जो लिमिटेड थी, लोग भी वही थे, लेकिन सॉवरेन नहीं था। 15 अगस्त 1947 को इंडिया सॉवरेन नहीं हुआ, क्योंकि हम अपना संविधान अपने दूसरे कानून हम बनाने का राइट हमको मिला, हम पे कोई प्रेशर नहीं डाल सकता, इसका मतलब है सॉवरेन से। उसके बाद ये जो मैं 42nd Amendment में जो चीजें आई, सोशलिस्ट इज एक्चुअली एन इकोनॉमिक आइडिया। सो कंफ्यूज लोग करते हैं कोई पॉलिटिकल ये है, इट इज एन इकोनॉमिक। अगर आप गरीब के बारे में सोचते हैं और उसको भी रोजी रोटी मिलनी चाहिए तो उसमें गलत क्या है? आज जो सोशलिस्ट गाली बन गई है वो सोशलिस्ट है, उससे बड़ी गाली कम्युनिस्ट है। तो ये मैंने समझ नहीं आता कि कोई आदमी अगर ये बोले कि इस देश में गरीब लोग हैं, ये देश में नहीं, हर जगह पुअर पीपल आर ऑलवेज इन मेजोरिटी एवरीवेयर। तो उनको भी रोजी रोटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनको भी रोजगार, उनको भी हेल्थ केयर, उनको भी एजुकेशन, ये सब मिलना चाहिए। ये अगर कोई आइडिया होगी या कोई आदमी बोलता है तो गलत क्या है? गलत कैसे हो गया? तो सोशलिज्म गाली कैसे बन गई? क्यों? के जो वैद्य जी ने कहा या उससे पहले नीरज जी ने बताया कि ये एक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट या कैपिटलिस्ट की बनाई हुई गवर्नमेंट, अब ये ऐसा बताना चाह रही है कि वो सब गलत था। पिछले साल आपको मालूम होगा, पिछले साल या एक दो साल पहले जब यही किसी दिन 26 नवंबर को जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रीएम्बल को पेपर में छपवाया था तो उसमें से सोशलिस्ट और सेकुलर दोनों वर्ड निकाल दिए। अच्छा, लोगों ने चिल्लाया कि ये क्या हुआ, दोनों कहीं नहीं, वो क्लर्क ने गलती से पुराना
अब आप लग ये डिसीजन लेगा कि क्या छपना चाहिए। दूसरी बात मुझे आज भी मालूम है कि उद्धव ठाकरे जी ने और उनके सपोर्ट में बीजेपी वालों ने भी कहा था कि वो सोशलिस्ट सेकुलर कोई वर्ड ही नहीं थे, इंदिरा गांधी की धांधली थी तो वो उसको निकाला और ठीक ही किया। और सेकुलर वगैरह क्या होता है, सेकुलर कोई रेगुलेशन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर मैं बाद में था। तो सोशलिस्ट जो है हिंदुस्तान में सोशलिज्म, नेहरू जी अपने आप को फेबियन सोशलिस्ट बोलते हैं, फेबियन सोशलिस्ट 19th century में फेबियन कमांडर फेबियस, फेमस रोमन कमांडर फेबियस, उसने गोरिल्ला वॉरफेयर निकाला था। गोरिल्ला वॉरफेयर क्या है कि आप अगर वीक है तो दुश्मन से सीधी सीधी जंग में नहीं जीत सकते, आप कमजोर हैं, दुश्मन अगर स्ट्रांग है तो आपको मार देगा। उसने कहा कि वीक जो पार्टी है दे शुड वेट और एम्बुश करके जब भी चांस मिले देन पाउंस अपॉन द एनिमी, गोरिल्ला वॉरफेयर उसे निकाली थी। वहीं से बर्नार्ड शॉ और लास्की और इंग्लैंड में उन लोगों ने वर्ड ले लिया कि हमको वेट करना है, हम वीक है, हम इस कंट्री को सोशलिस्ट नहीं बना सकते, तो वेट करो, जब भी चांस मिलेगा कौन सको मेक इट सोशलिस्ट। ये आइडिया था, नेहरू जी अपने आप को बोलते सोशलिस्ट, मगर फैक्ट ये कि जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी जिसके जयप्रकाश नारायण जी बहुत बड़े नेता थे, नेहरू जी ने वो ज्वाइन करने से इनकार किया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गवर्नमेंट तो छोड़ो, विद इन कांग्रेस नेहरू रिफ्यूज टू ज्वाइन। और फिर जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उन्होंने कहा कि सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि जिनके पास पैसा है उसे छीनो और वो बांटो और इंडियन सब इंडस्ट्री को नेशनलाइज करो। ये अच्छी बातें हैं मगर ये बातें प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो अगर नेशनलाइज कर रही है तो उसको चलाने के लिए हमारे पास उतनी स्किल चाहिए। तो ये बहाने तो उन्होंने सबवर्जन, मैं ये कह रहा हूँ कि सबवर्जन डायरेक्ट अटैक तो नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन पे जैसा आज हो रहा है, लेकिन सबवर्जन फ्रॉम विद इन जरूर से रहा। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को आपने बढ़ावा दिया? और ऐसा नहीं है कि सोशलिस्ट पार्टी से सेकंड अमेंडमेंट के बाद ही सोशलिस्ट बना कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में द स्पिरिट ऑफ सोशलिज्म इज देयर, आर्टिकल 38, 39, 41 देख लीजिए। ये सारे आर्टिकल जो है, जहाँ जहाँ पीपल्स वेलफेयर की बात होती है, जहाँ रिड्यूसिंग से इनकम गैप बिटवीन इनकम और मटीरियल रिसोर्सेस को कंट्रोल में लेने की बात होती है, सारे सोशलिस्ट आर्टिकल है। तो ऐसा नहीं है कि सोशलिज्म से मिसेस गांधी ने वर्ड आया तो इंडिया सोशलिस्ट, सोशलिस्ट कंटेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शुरू से था। और हमारा सोशलिज्म नेचुरली डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, हम रेवोल्यूशन के थ्रू किसी को गोली मार के हम उसके फैक्ट्री या उसकी जायदाद या उसका पैसा हड़पना नहीं चाहते, हम लॉ बना के स्लोली डेमोक्रेटिकली हम लॉ बना के हम इस कंट्री को सोशलिस्ट मतलब जनता के इसके लिए तैयार करना चाहते। सेकुलर एक अनदर कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, और सेकुलरिज्म के कोई पूरी भाषा डेफिनेशन है नहीं, और वो बिलावा जी के सेकुलर बना दिया गया ऐसा है, ये भी कहना गलत है। पहली इम्पोर्टेंट बुक ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीस में थी, छपी थी 1960 में, उसके तीन आर्ग्यूमेंट थे। उसने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एब्सोल्यूटली सेकुलर, दो द वर्ड वॉज नॉट देयर दैट टाइम,
तीन आर्ग्यूमेंट थे ये सेकुलर कैसा है। उसने कहा कि जो राइट्स दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स को या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो राइट्स हैं या जो भी दूसरे राइट लीगल राइट्स जो हैं वो सबको दिए गए हैं, तो जैसे हिंदू या फिर मुसलमान उसको नहीं दिए गए, सबके लिए है। तो ये खुद एक सेकुलर एलिमेंट है। दूसरी बात उसने कहा कि जो सेकुलरिज्म वेस्टर्न सेंस में सेपरेशन स्टेट एंड रिलीजन, इंडिया में सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन तो हो नहीं सका है, लेकिन जहाँ माइनॉरिटी राइट्स में अगर एजुकेशन कल्चरल एजुकेशन राइट का जो शिक्षण है उसमें यह है कि इफ ए यूनिवर्सिटी और ए स्कूल और कॉलेज इज रन विथ द सपोर्ट ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट पैसा देती है स्कूल चलाने के लिए कॉलेज चलाने के लिए आइदर फुल्ली और पार्टली यूनिवर्सिटी चलाने, उसमें आपको रिलीजियस एजुकेशन या इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। दैट वॉज दिस आर्ग्यूमेंट कि ये सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड नहीं था, तो ये कहना कि सेकुलरिज्म मिसेल गांधी ने उजर दिया ये था ही नहीं सेकुलर, यह गलत था, क्योंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के स्प्रिट शुरू से लेकर वी द पीपल में वी इज द हिंदू तो लिखा हुआ विच में इंक्लूड दलित्स विच में इंक्लूड आदिवासी, आदिवासी ये वर्ड भी एक अजीब चीज है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको आदिवासी नहीं कहा, क्योंकि हिंदुत्ववादी बोलते हैं कि हम यहीं के रहने वाले हम कहीं बाहर से नहीं, हम आदिवासी ट्राइबल एरिया ट्राइब्स के बारे में बात करते कहां कहां इनके इनके कास्ट कहां कहां इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है देखी, आदिवासी नहीं आना कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि फिर आदिवासी का मतलब है कि आर्यन से बाहर से आए जो मानती नहीं होते ही बनाती आदिवासी देश का फिर उनका हाइट होना चाहिए क्योंकि दे आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस कंट्री। तो ये सारी कॉन्स्पिरेसी शुरू से थी सेकुलरिज्म के बारे में, ये वो कहते हैं कि मिसेस गांधी ने सी बात किया तो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट पहले से थी। दूसरी ये बात है कि ये कहते हैं कि डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो डेमोक्रेसी का है डेफिनेशन, रिपब्लिक की तरह डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर जो होता है या प्रोटेक्शन हाईएस्ट जुडिशियरी करती है, और जब प्रॉब्लम आता है तो हाईएस्ट जुडिशियरी ही इंटरप्रेट करती है इस टर्म किस टर्म का मतलब क्या है। ऐसा बोमाई केस देख लीजिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डेफिनेशन दी है सेकुलरिज्म कि इस कंट्री में सारे रिलीजन का स्टेटस इक्वल है, लेकिन कोई रिलीजन को स्टेट कंट्री नहीं है, वही डेफिनेशन में हमारे पास सेकुलर, क्योंकि हमने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा ना कि इंडिया इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, हम आज भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि लोगों के बोलों के मंदिरों को ढाक लगाओ मस्जिदों को ढाक लगाओ, ये आज भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, यू विल बी टोटली आइसोलेटेड एंड यू कैन नॉट डू एनी वर्क अदर इट सोशल ऑपरेट क्योंकि लोग अंटेगनाइज हो जाते हैं। तो रिलीजन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इंडियन लाइफ का,
तो वो हमारे गांधी जी ने 1948 में डेफिनेशन किया था कि गांधी जी को स्ट्रॉन्ग हिंदू थे, लेकिन उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि इस देश में सारे सर्वधर्म संभव रहेंगे लेकिन किसी धर्म को स्टेट प्रोटेक्ट नहीं करेगा या स्पॉन्सर नहीं करेगा। वही डेफिनेशन में सेकुलर वर्ल्ड या सेकुलर स्प्रिट लाई गई थी। केटी शाह ने तीन बार रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मूव किया। एक मेंबर थे, वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड आएगी इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। तीनों बार वो रिजेक्ट हुआ। पंडित नेहरू थे, मौलाना आजाद थे, डॉक्टर अम्बेडकर थे, सारे वही लोग बड़े बड़े इंटर सेकुलरिज्म सब ने अपोज किया। अम्बेडकर के तो पर अपने एक समस्या थी, क्योंकि अगर आप उनका ये मानना था कि अगर आप सेकुलर डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर रिलीजियस रिफॉर्मेशन के दरवाजे बंद हो जाए। कोर्ट बोलेंगे सेकुलर है तो आप रिलीजन किसी को पड़ेगा, यू शुड नॉट डू एनीथिंग विद रिलीजन। उनकी समस्या अलग थी, लेकिन नेहरू जी और आजाद सब ने, क्योंकि आजाद तो ठीक है और आखिर तक नशा वो आखिर वो अकेला कांग्रेस ही था जो लास्ट तक पाकिस्तान के एनएस अकेला हिस्ट्री है पढ़ लीजिए, पटेल, नेहरू और गांधी जी तीनों को माउंटबेटन ने कन्विंस कर दिया। नौकाली से आए जब मिले और आजाद को बहुत भरोसा था कि गांधी जी कभी नहीं मानेंगे पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश पे। लेकिन माउंटबेटन और नेहरू और आजाद से मिलके वो लोग बूढ़े हो रहे थे, उनको पावर चाहिए थी, बहुत हो गया लड़ाई, तो वो आजाद ने लिखा है इंडिया वेस्ट मीडियम में जो 30 पेजेस बदले थे बाद में छापे थे, लिखा है कि जब मैं गांधी जी से मिला तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि ही एट ऑल्सो एग्री टू गिव पाकिस्तान टू डिनर एंड ही वाज टॉकिंग इन अ लैंग्वेज ऑफ पटेल। तो अकेला कांग्रेस ही था आखिर तक पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो रिलीजियस आदमी भी थे, ये भी मानना कि वो कम्प्लीटली सेकुलर उस सेंस में वेस्टर्न सेंस में सेकुलर नहीं थे, वो दूसरे रिलीजन का एहतराम जैसे गांधी जी करते थे वो भी करते थे, लेकिन अपने रिलीजन को छोड़ना नहीं चाहते थे, तो उनका प्रॉब्लम था। तो हमारे पास वेस्टर्न सेकुलरिज्म नहीं आ सकता, हमारे पास का इंडियन वर्जन जो है वो हमारा अपना है। और ये भी नहीं मानता हूँ मैं कि वो उसका वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, क्योंकि हमारी ये सभ्यता, ये लोगों ने बहुत सी बातें कही है और ज़्यादा आप भी जानते हैं कि शुरू से ये सिर्फ भक्ति मूवमेंट ही नहीं है, सूफिज्म की अमीर खुसरो से लेके आज जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, मलिक मोहम्मद जायसी वाज एक्चुअली सूफी मूवमेंट, एक्सटेंसिवली रिटर्न ओनली अवधि, और उसने श्री कृष्ण पर भी कान्हा वट वो भी उनकी नजर है, पद्मा वट्रोवर्सी आज चल रही है। तो ये जो सूफी ट्रेडिशन जो था वो प्योरली सेकुलर था, भक्ति ट्रेडिशन सेकुलर था, मतलब इंडियन सेंस वो लोग एंटी रिलीजन नहीं थे, लेकिन हर एक को ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान समझते थे और हर एक के साथ बैठ के खाना, उसके साथ पानी पीना, उन्होंने कास्ट सिस्टम जैसे इतने स्ट्रॉन्ग पोर्शन जो इंस्टीट्यूशन थी उसको तोड़ा, बहुत मामूली काम नहीं था। तो ये सब कबीर नहीं बल्कि उससे पहले मलिक मोहम्मद जायसी है, कबीर के बाद ये ट्रेडिशन हमारा। दूसरी बात ये है कि सेकुलरिज्म
के साथ ये होता है कि साहब धर्म का कुछ लेना देना नहीं है, ये ट्रेडिशन भी हमारे पास इंडिया में है। ये कंट्री मस्ट बी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ बिकॉज इट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज प्रोड्यूस्ड टू रिलीजन्स विच हैव नो गॉड। बुद्धिज्म में गॉड है, बुद्धिज्म इज एग्नोस्टिक, जैनिज्म टोटल एथिस्ट। ये ट्रेडिशन भी हमारा अपना था, एथिज्म और एग्नोस्टिसिज्म हमने कभी बाहर से इम्पोर्ट नहीं किया। जब इंडियन वर्जन की हम बात करते हैं तो इंडियन वर्जन सेकुलरिज्म का हमारा अपना है, वो एंटी रिलीजन नहीं है, लेकिन सारे रिलीजन को और सारे रिलीजन के मानने वालों को ह्यूमन बींग समझता है और सबके साथ एक समर्थाव। जो आसान फेमस जो एक्सप्रेशन है सर्वधर्म संभव, तो सॉवरेन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेसी, ये मैंने कहा ना कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप था कि हम जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी तब भी हम आज़ाद नहीं थे, इंडिपेंडेंट नहीं थे। 46 में इलेक्टेड पहला सेशन जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ और हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो 9 दिसंबर ही को मूव कर दिया था नेहरू ने, तो ये बहुत बड़ी बात थी कि एक जो करोड़ों लोगों का कंट्री है जिसमें 12% लिटरेसी है, जो एक फॉरेन कंट्री का एक कॉलोनी है, उसको आप डायरेक्टली यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दे रहे हैं। यूनिवर्सल मतलब सबके लिए, अडल्ट एक एज क्वालिफिकेशन रहती है, पहले 21 थी अब 18 है, और फ्रेंचाइज में 9 को। ये डेमोक्रेसी का मतलब है इंडिया, और ये बहुत बड़ी बात थी। लोगों को बहुत शुभाता जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 8 महीने के लिए इसको पब्लिक स्क्रूटनी के लिए रखा गया था, और बहुत से लोगों ने उस पर अपने वो जो है क्रिटिसिज्म या क्रिटिक या अप्रिसिएशन वॉट एवर उन्होंने दिया था। तो लोगों का मानना था कि ये चलेगा नहीं, क्योंकि लोगों को ये नहीं मालूम कि वोट क्या होता है, तो आप उसको उनको राइट टू वोट दे रहे हैं, तो ये चलने वाली बात नहीं है। लेकिन इंडियंस ने एक बात मैं मानता हूँ कि उन्होंने पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया। और एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल मैं कॉन्क्रीट एग्जाम्पल कि दे एक्चुअली राइज अबव इमोशंस इवन टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, वो एग्जाम्पल है बांग्लादेश। बांग्लादेश जब बना तो एक्चुअली हिंदू साइकी में, ऑनेस्टली बोलता हूँ, हिंदू साइकी में इट वॉज अ ग्रेट ईवेंट। पहली बार ऐसा हुआ कि एक वेल नोन मुस्लिम कंट्री को इंडियन आर्मी ने कंप्लीट डिफीट की, बल्कि तोड़ा। और जब मिसेस गांधी की पोजीशन ये थी कि शी हैड बिकम देवी, लोग उसके पैर पे अपने बीमार बच्चों को रख देते थे कि उसकी उसकी वजह से अच्छी हो जाएगी। इतनी जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, बल्कि करिश्मा अनबिलीवेबल, खुद वाजपेयी जी ने कहा था कि वो रीइंकार्नेशन ऑफ काली। लेकिन वो जो जनता है, जनता का जो आदमी है जो खेत में बीड़ी पीते बैठता है, उसको सब उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। इंडिया से प्रूफ करते हैं कि जो पहला इलेक्शन हुआ बांग्लादेश के बाद, लोगों ने न सिर्फ कांग्रेस को हराया बल्कि उसको भी हराया। ये कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि जिसने बांग्लादेश बनाया हो, जिसने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए हो, उसको तो हारना नहीं चाहिए था। लेकिन जो इलेक्शन हुआ उसके बाद,
लोकसभा के लिए इस देश में लोगों ने कांग्रेस को हराया, मिसेस गांधी को हराया, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो बहुत मैच्योरिटी है, कोई कोई गारंटी नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो बहुत डेमोक्रेटिक या बहुत प्रोग्रेसिव या बहुत सेकुलर होंगे, ये कोई नहीं है। गुरु हलवालकर जी भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में साइंस पढ़ाते थे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी कम्युनल नहीं होता या प्रोग्रेसिव या एग्रेसिव नहीं होता, ऐसी कोई गारंटी नहीं। वो इस देश में डेमोक्रेसी को गरीबों ने बचाया, और आगे मैं कहने दीजिए कि लेकिन इस डेमोक्रेसी ने गरीबों को कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ है, लेकिन जैसे वो गाना मैं सुन रहा था, और उन्होंने सारे उनकी बातें नोटबंदी से लेकर हर एक उनके इवेंट डीड्स बताए जो बिल्कुल सही है, अगर उसको मान लिया जाए तो इस देश के जो मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ दिस कंट्री आर द बेस्ट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अगर यही है डेमोक्रेसी में, तो लोग कहेंगे कि इससे अच्छा तो डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए। तो ये जो हुआ है उसके लिए सिर्फ बीजेपी या आरएसएस, मेरा सिर्फ ये मानना है, वो ज्यादा ओपनली हमले कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात सही है। लेकिन हमारे शरीर में इस देश में जो पहले थे, जो बड़े बड़े नाम थे, जो बड़े सेकुलर लोग थे, जो बड़े प्रोग्रेसिव थे, उन्होंने भी अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स चलाई, उन्होंने भी अपने जहां उनको चांस मिला उन्होंने दबाया जनता को। तो ये जनता ही है जिसने डेमोक्रेसी बचाई। रिपब्लिक का मतलब है वो कंट्री जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है। हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ द स्टेट है, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, तो रिपब्लिक है। उसके बाद प्रीएम्बल में जस्टिस है, तो सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस का मतलब एक्चुअली सीधी सी बात है, इंडिया में सबसे ज्यादा जरूरत उसकी है कि सोशल स्टेटस में आदमी छोटा बड़ा नहीं होगा। कास्ट सिस्टम इज एक्चुअली एक हायरार्किकल सिस्टम, किस्म ऊपर फिर बीच में और फिर ऐसा नीचे, आपने सोसाइटी को डिवाइड किया। सोशल जस्टिस उसके टोटली अपोजिट है कि ऑल पीपल आर सोशली, सोशल स्टेटस जहाँ तक है देशों के ऊपर। इकोनॉमिक जस्टिस की बात वही है कि आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब नहीं है कि सबको टाटा बिरला बना दो, लेकिन इक्विटेबल जस्टिस, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नेचुरली अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स ऑफ द पीपल। और पॉलिटिकल जस्टिस के माने ये है कि चारों जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो सबको अवेलेबल होना चाहिए, राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट, राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। ये सारे पॉलिटिकल राइट्स जो है सबके लिए है, लेकिन हुआ ये है कि ये सब पेपर पर रह गया। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, ये मैं बता रहा हूं कि यही चीजें फंडामेंटल राइट्स में जाके कोडिफाई हो गए। आर्टिकल 19 में आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बनती है, या आर्टिकल 25 में बिलीफ या रिलीजन की राइट देते हैं। तो एक्चुअल जस्ट जो है वो प्रीएम्बल में है। इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये देश में अगर समानता लानी है, इक्वालिटी का यही है कि सबको एक जैसा ट्रीट नहीं करना, बट इक्विटेबल ट्रीटमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड अम्बेडकर ने कहते थे कि डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होती, असल डेमोक्रेसी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल।
तो जब तक सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं आएगी इस कंट्री में, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी रिमेन्स एट द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वही लेवल पे इलेक्शन होते हैं, मोर और लेस फेयर होते हैं। मैं मानता हूँ ईवीएम के बारे में कुछ भी कहें, मगर मोर और लेस इलेक्शन फेयर होते हैं। तो वो इलेक्टोरल लेवल पे तो आ गई है डेमोक्रेसी, लेकिन ये जो टेंशन है सोसाइटी में, ये जो गैप है रिच एंड पुअर, इसलिए कि हमारे पास सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं है। फ्रैटर्निटी का वर्ड जो है अम्बेडकर की देन है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में नहीं था। अम्बेडकर ने कहा कि आप लॉ बनाने से कोई सोसाइटी को सोशली इक्वल नहीं बना सकते, लॉ बनाने से आप आदमी को अपनी डिग्निटी या रेस्पेक्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, जब तक के ब्रदरहुड का सेंस ऑफ ब्रदरहुड, एक फैमिली का मेंबर हूं मैं, जब तक हर हिंदुस्तानी ये नहीं सोचेगा कि ये एक बड़ी फैमिली है और सारे देशवासी जो है मेरे भाई बहन या फैमिली मेंबर हैं, तो वो लॉ की रिस्पेक्ट करेगा। और वो जो लॉ में जो कहा गया है इक्वालिटी या लिबर्टी, फ्रैटर्निटी अम्बेडकर के लिए बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट था, एक वैल्यू थी, जिसको उन्होंने इंसिस्ट करके प्रीएम्बल में इंक्लूड किया। दूसरी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप जानते हैं कि इंडिविजुअल लिबर्टी एक्चुअली बिल ऑफ राइट्स जो है अमेरिका का या फ्रांस का जो है, बहुत से रिसोर्सेस हैं। और ये चार्ज भी लगा था अम्बेडकर जी पर कि ये क्या है 70% तो आपने यहाँ से उठा लिया, वहाँ से उठा लिया और कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। तो जब वो स्पीच से पढ़ी है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में है अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट करते हुए स्पीच, उसने कहा कि मुझे पता है ये चार्ज लगाया गया 70% of this constitution is not original. Most of it naturally act of 1935 pe based hai. Then direct to paper humne Ireland ke constitution se borrow kiye aur fundamental rights jo hai bill of rights se liya gaya. To kai sources hain, Australian type of federation liya humne, baad mein Mr. Gandhi ne 42nd amendment mein jo फंडामेंटल ड्यूटीज लाई वो यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे। तो ये सब ठीक है, मगर अम्बेडकर ने कहा कि मुझे जो ब्रीफ दी गई थी कि वो स्ट्रक्चर 1935 के एक्ट का एज इट इज रहा जाए, दिस वाज एक्चुअली द कॉन्करेंस विद इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कभी भी फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं थी और चिल्लाते है, रहते हैं आज के हिंदुत्व तो राष्ट्र बनना चाहिए, वो तो थे नहीं ना। श्याम प्रसाद मुखर्जी बाद में उन्होंने जनसंघ बनाई, लेकिन वो तो सब पहले कांग्रेस में थे, नेहरू की कैबिनेट में थे। तो ये जो हिंदू राष्ट्र वगैरह की, ये बाहर बाद में जब इनको ये जो कहते हैं उसमें भारतीय रूप भी नहीं है। तो कास्ट सिस्टम के बारे में जो कुछ भी है वर्णन, वो क्या भारतीय नहीं? काउ के बारे में आज जो वो कहते हैं कि प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें जो वर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ काउ काफ एंड मिल्च एनिमल्स, जो दूध देती है तो देता है जानवर, उसके प्रोटेक्शन की बात है। बकरी को तो आप काट रहे हैं, उसपे आपको कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं आता। तो ये जिस तरह के अपने इंटरेस्ट के लिए, कन्वीनियंस के लिए मिसकोट करके यूज कर रहे हैं, तो वो जो अगर वो बात छोड़ दीजिए, लेकिन वो क्या इंडियन नहीं है? खादी ग्राम उद्योग, विलेज पंचायत, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के भाग है, वो क्या इंडियन नहीं है? तो क्या इंडियन का क्या मतलब, जैसे वैद्य जी बता रहे थे, उनका इंडियन का मतलब यह है कि वो प्राचीन काल में जब हम दलितों को जानवर के जैसा ट्रीट करते थे
और ब्राह्मण सुप्रीमेसी थी वो अगर इंडियन आप है तो नेचुरली वो डेमोक्रेसी पॉसिबल है। वो डेमोक्रेसी में इस पर यहां नहीं कहीं भी पॉसिबल नहीं, तो उसके लिए आपको यहां पे हिंदुइज्म इज एक्चुअली फेडरेशन ऑफ रिलीजन। मेरा मानना है एक हिंदू कॉन्शियसनेस जो है, ठीक है पॉलिटिकल उसके लिए जैसे पाकिस्तान का हमला हुआ तो सारे भारतीय एक हो जाते, तो इसलिए मुसलमान ने क्या गया बोले तो हिंदू एक हो जाते, पॉलिटिकल गेन के लिए होता है। लेकिन जितने डिफरेंसेस और डिस्टिंक्शंस इन टर्म्स ऑफ कास्ट, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी एथॉस हिंदुइज्म में है, तो वो एक्चुअली उसको एक मोनोलिथ रिलीजन मानना ही बेवकूफी है। इट्स ए फेडरेशन ऑफ रिलीजन, कम्युनिटीज है वो, डिफरेंट कम्युनिटीज। क्या मलयाली हिंदू में और आप में या मलयाली हिंदू और भैया में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं, सिवाय वो एक थिन आप जिसको स्टैंड बोलते हैं रिलीजन है। वो भी गॉड्स और गॉडेसेस इतने करोड़ क्यों हो गए? क्योंकि इतनी करोड़ों डिफरेंसेस है कम्युनिटी। और यही बात उनको समझ में नहीं आती है कि मुसलमान को इस्लाम को इंडिया में मोनोलिथ बना के पेश करते हैं, हालांकि मुसलमान इंडिया का उतना ही डिवाइडेड है जितना हिंदू डिवाइड है, उनके पास भी कास्ट है। मैं इकोनॉमिक डिफरेंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लासेस तो है, कास्ट भी है। वो सैयद शेख पठान जो है वो अपने आप को ब्राह्मण समझते मुसलमानों का, और जो दूसरे जो वर्किंग क्लासेस है अंसारी है, जो बुनकर होते हैं, कामोली या इस तरह के मछेरे माही की शादी नहीं होती है। यहाँ आपको वो होगा यूपी में रॉयट्स होते हैं, तो उनको पता कर मुसलमान बोले तो सारे एक है तुम्हारे पे हमला कर, ये सब बकवास होते हैं जो जमीन से जुड़े हुए। और दूसरी बात जो बोल जब ये इन्होंने कहा कि इनको देश प्रेमी मत बोलो, जैसे वैद्य जी बता रहे थे, इसका मतलब ये है कि इनका देश है मान लिया आपने, ये तो बाहर से आए गए हैं। ये एक तरफ ये बोलते हैं कि इन्वेडर्स है बाहर से आए हैं, दूसरी बात तरफ यही बोलते हैं कि सब यहीं के दलित थे बाद में मुसलमान हुए, तो जब हम यहीं के दलित थे तो हम यहीं के हैं ना। जब हम यहीं के दलित थे तो हम यहीं के हैं, दलित कुछ बुद्धिस्ट हो गए, कुछ 400 साल पहले मुस्लिम हो गए, कुछ क्रिश्चियन हो गए, हम यहीं के हैं, तो आप ये बाहर का इन्वेडर ये टाइप क्यों लगाएंगे? तो आर्टिकल 25 में प्रैक्टिकली स्पीकिंग हिंदू के माने सिख भी है, हिंदू के माने जैन भी है, हिंदू के माने बुद्ध भी, सारे जो जितने इंडियन रिलीजन है सिर्फ क्रिश्चियनिटी और मुसलमान और पारसी और बहुत थोड़े से उनको आपने निकाल दिया, बाकी सब हिंदू हैं। तो एक तरफ लॉ ये बोलता है, एक तरफ इनका ये कहना है कि सभी हिंदू थे और यहीं के दलित थे, और फिर ये भी कहना है कि बाहर के इन्वेडर्स है, बाहर आके यहाँ की संस्कृति और यहाँ के टेम्पल तोड़े, ये दोगली बातें हैं। हिस्ट्री उनको क्योंकि ऑफुली इग्नोरेंट है मोस्ट ऑफ द बीजेपी है ऑफुली इग्नोरेंट, बिकॉज देयर हार्डली एनी स्कॉलरशिप। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है इसके, उसमें एक ही लोग बोलते हैं जो अनफोर्सेबल है, अनजस्टिसिएबल है, मतलब कोर्ट उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। मिसेस गांधी ने 25th अमेंडमेंट में एक आर्टिकल 31C जोड़ा था, जिसमें यह था कि आर्टिकल 39 विच इज अबाउट बेसिक पॉलिसीज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 37 का मतलब ये है, 31C का, कि कोर्ट में फंडामेंटल राइट
का आर्टिकल 14 और 19 के बेसिस पे आर्टिकल 39 को इम्प्लीमेंट करने को रिजेक्ट नहीं कर सकते, प्राइवेसी रहेगी पूरे डायरेक्ट टू प्रिंसिपल को आर्टिकल 31 सी में ला दिया, तो वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है मिनर्वा मिल्स केस में, और प्रीएम्बल और डायरेक्ट टू प्रिंसिपल इस कंट्री में बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट अपनी इंडिपेंडेंस रखती है, हमेशा रहेगी उसकी और उसके उसके जुडिशियल रिव्यू की पावर रहेगी, तो मोदी जी आए या कोई आए ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल सकते। बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी में प्रीएम्बल भी आता है, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल भी आता है। आपने मुझे बहुत सुना, जो कुछ भी मुझे कहना था मैंने कहा, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और इतनी इंटरेस्ट थी। थैंक यू वेरी मच।